81 29 अक्टूबर 1981 आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना ये? जी 29 अक्टूबर 1981 हाँ जी सर, मेरा नाम मनप्रीत है वैसे, ये मेरी मामा की आईडी है। अच्छा, कौन सी फील्ड में जॉब करना चाह रहे फिर से अभी आप? सर मैं पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही थी, इसी में मिल जाए। मैं तो सोच रही थी कि जैसे कि मेरा पहले गवर्नमेंट पीएसयू में था, तो अगर वहां पे रीजॉइन हो जाए, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस थे मैंने रिजाइन किया था, बट अभी मैं चाह रही हूँ कि वापस रीजॉइन हो जाए। गवर्नमेंट में थोड़ा चांसेस ज्यादा है दीदी, गवर्नमेंट में आप जाओगे ना तो ज्यादा फायदा मिलेंगे आपको। पीएसयू जो आप बोल रहे हो ना, जी इसमें अभी भी चांसेस बने हैं आपके, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए चांसेस। उसमें कोशिश कीजिए, उसमें आपको ज्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगा और जल्दी काम अच्छे से कर पाओगे उसमें आप। सर वही तो मैं चाह रही थी, वही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर मैं थोड़ा परस्यू करूँ, थोड़ा वेट करूँ, कॉर्पोरेट नहीं ज्वाइन करूँ अभी। एक नंबर बोलिए 75 से लेकर 99 के बीच में। 98 गवर्नमेंट के तरफ ही जाओ दीदी, बाकी कुछ मत करो, गवर्नमेंट में आपको फायदा मिलेगा। तो सर गवर्नमेंट मुझे सेक्टर वेट करना चाहिए फिर। वेट करो, मेहनत करो, ट्राई करो, तीनों चीज करो। मेरे हिसाब से आपका आने वाले 2023 या 24 के बाद आपको गवर्नमेंट पीएसयू में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएंगी। सर 2 साल तक 22 23 बरा 23 24 में 22 23 अभी आपको ट्राई करोगे, एग्जाम दोगे, टाइम लगता है ना उसको चीजों को। ये जो टाइम चलो ना, आपका जो है ना गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है और गवर्नमेंट सेक्टर ही आपको सेटिस्फेक्शन देगा, मजे भी वहां काम के ले पाओगे आप। ठीक है फिर, मतलब मैं साथ के साथ कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लूं और जब वहां पे मिले तो शिफ्ट हो जाऊं वहां, लेकिन ट्राई करती रहूं, ये आपका ट्राई कहने का करते रहो, मतलब। कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू ट्राई करते रहो, मेरा ज्यादा लंबा नहीं, मेरे हिसाब से 12 15 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं चांसेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके दीदी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। कविता जी को देखिए, बोलो कविता जी, बहुत परेशान थी। कविता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कविता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ हो गई। हेलो, हाँ दीदी या गुड बोलिए, इवनिंग सर। गुड सर गुड इवनिंग इवनिंग सर। बोलिए बोलिए। सर या सर मुझे ना आपको ये पूछना था कि करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड बताइए इन पहले। हाँ 28 अक्टूबर जी, 28 28 10 1980 पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर। हमारे यहाँ पे ना मेरा जो भी सब्जेक्ट है ना वो अभी निकालने का सोच रहे हैं ये लोग, तो मेरा भी करियर का क्या क्या दिख रहा है, मींस क्या चांसेस है कि इसी आपको करियर का ही पूछना है कि जॉब रिलेटेड मुझे पूछना है कि यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या मुझे दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए, या ये लोग मींस समझ में नहीं आ रहा है। जो दिन आपके अभी तक गए ना, इससे अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। जो दिन अभी पिछले जो 30 40 साल थे आपके लाइफ के, जब तक आपके लाइफ में हर्डल होंगे, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता होगा, इसके बाद का जो फेस है ना उसका इकोनॉमिकली बहुत अच्छा वो जाएगा तो आपका, तो उसकी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो फेस चालू हो रहा है अभी आपका 40 साल के बाद का, वो फेस ज्यादा आपका पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, कैरियर के मैटर में बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको ओके ज्यादा टेंशन लेने की अगर नहीं जा रहा तो जान दीजिए आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आएंगी। और यहाँ भी काम करो तो इसमें आपका जो पेमेंट है, जो इकोनॉमिक है, जो फाइनेंस है, आपका आगे धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेगा आपका। ओके तो सर मेरा अभी जॉब का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं ना, ये लोग मुझे कंटिन्यू कर देंगे ना, अगर मेरा सब्जेक्ट भी निकाल देंगे तो भी मुझे वो कंटिन्यू भी कर देंगे ना। कंटिन्यू कर देंगे, अगर नहीं भी गए तो कोई ना कोई दूसरा आपको पकड़ लेगा, कोई आप खाली रहने वाले नहीं, इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपकी ओके ओके थैंक यू सर, डेट, थैंक आपके यू हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर। मुझे पूछ रहे हैं। आपको ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ ओके 16 जून 06 1961 ऐसा चालू सब कुछ, एक लड़का है आपको? हाँ सर। ओके, बाकी क्या बोलते हैं, मैरिड लाइफ? आपको तो दिख ही रहा है ना सर। मैंने आपको हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पूछा, कोई बात नहीं, आप मुझे कल पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं बताता हूँ कुछ आपको। ठीक है, ओके मेरा नंबर सर आपको मालूम है ना?
नहीं सर, एक बार बता दीजिए। 999 राइट करिए मैडम, 999 जीरो 369 999 सर, 999 के बाद जीरो 369 ओके 369 हाँ 369 और 555। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, 999 जीरो 369 555 555 यस। हेलो, हाँ सर, सर कोई स्पेसिफिक टाइम पे फोन करूं? 11 बजे सर, यही पर्टिकुलर टाइम। फोन करने के पहले व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको टाइम दे देंगे, पहले व्हाट्सएप कर दीजिए आपको 11 बजे। ओके थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके प्रिया जी, प्रिया जी है ना अपनी? हाँ जी, ओम साई राम सर। प्रिया जी कुछ लोगों का आप अनम्यूट कीजिए, आज हमारे कोस्ट हो आप, तो आप कोई जो आपको लगता है उनको अनम्यूट करते रहिए धीरे धीरे। ओके सर, अभी आपको भी ये सब करना है ना आगे चल के। यस सर, बहुत सिंपल है, मालूम है क्या आपको? सर मुझे नहीं आता इसमें कैसे करते हैं। कोई बात नहीं प्रिया जी, देखिए आप जिनके भी हैंड रेज है ना, आप पार्टिसिपेंट में जाइए, देखिए पार्टिसिपेंट में सब लोगों के हैंड रेज है। हाँ जी सर, उनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएंगे, लोअर हैंड, आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, वहां पर आस्क टू अनम्यूट करके उनको बोलिए प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके सर जी, किसी को भी क्लिक कीजिए। हाँ जी किनको, सर किनको क्लिक कर रहे हैं? सर ये रानी डांगी, रानी डांगी जी को आस्क टू अनम्यूट पे ओके कीजिए और पूछिए रानी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये उनका चला गया, एक मिनट सर। कोई बात नहीं, सबसे फर्स्ट देखिए किसका हैंड रेस है। सर ये जय सिम्हा पे क्लिक कीजिए। हाँ आस्क टू अनम्यूट क्लिक कर दीजिए। हाँ जी सर, जय सिम्हा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी यस सर, डन। जी सर, एक्चुअली हमारी जो प्रिया मैम है आज से हमारे प्रोफेशनल में आ रही है, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कुछ दिन बाद इनका, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन लोग आए, आप लोग कैसे पैसे तो खर्च कर रहे हो, सीख तो सब रहे हो, लेकिन वही अपने काका मामा तक सीमित हो, भाई बच्चे के तक। अगर एक काम में अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो जैसे बहुत सारी लेडीज है इसमें, बहुत सारी लेडीज है, तो आप थोड़ा बाहर कदम रखिए। जब आप बाहर कदम रखोगे, जब आपका नाम होगा, पैसे आएंगे, सब कुछ चलेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम धीरे धीरे एक एक कर अपने जो स्टूडेंट सबको इंट्रो करते रहे और उन लोगों को आगे सपोर्ट करे आगे जाने के लिए। बोलिए, बोलिए जय सिम्हा जी। साईराम सर, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। मुझे कुछ हिंदी प्रॉब्लम होता अगर लाइक। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी जितनी हिंदी अच्छी है ना उतनी हमारी इंग्लिश अच्छी है बस। थैंक यू सर। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/12/77 है सर। 12/12/77 यस सर। तो प्रॉब्लम्स तो है मगर लाइक हाउ फाइनेंशियल ग्रोथ होना, तो रेमेडी कुछ है या तो प्रॉब्लम आपके आज से नहीं है, बहुत दिन से प्रॉब्लम चालू है। yes, प्रॉब्लम ऐसी है खत्म होती ही नहीं है, कि मेहनत कितनी भी कर लो कुछ ना कुछ हेडेक रहता ही है। क्या करते हो? yes, आप मैं आईटी कंपनी में हूं सर, पर करियर ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है मुझे, मैं ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप में चल रहा है, ऐसा ऊपर वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन अपवर्ड नहीं जा रहा है। आपका खाना पीना खर्चा पानी चल रहा है सिर्फ आपका। यस यस सर। पर आपको कभी बिजनेस का सोचने का, बिजनेस में आप अच्छा काम कर सकते हो। बिजनेस में ओके। हाँ जी कैसा, क्योंकि ये जो जॉब का आईटी फील्ड में काम करो, आपका फील्ड आपकी सही है, फील्ड गलत नहीं है, लेकिन उसका जो आप जो जॉब कर रहे हैं ना वो गलत है, उसमें आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चालू कीजिए, तो आपको बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी और आप थोड़ा ग्रोथ अच्छी कर पाओगे। सर इसमें हाँ बोलिए, बिजनेस में आईटी फील्ड के रिलेटेड या कुछ जो भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस? कुछ भी नहीं कर सकते, आईटी फील्ड का काम कर सकते हो आप। उसके अलावा कौन से आपको ऑप्शन कुछ है कि आपके पास, कुछ दिमाग में सोच के रखे हो कि आपने? मैंने आई एम डूइंग दिस इंश्योरेंस का सेल्स, ऐसा कुछ पॉलिसीज बेचना ऐसा कर रहा हूँ साइड में, मगर वो भी मजा नहीं आ रहा आपको काम करने में।
तो उसमें आपको कैसा लगा, आपको ज्यादा बेटर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और जो ग्रोथ नहीं हो रही उसमें ग्रोथ होने के चांसेस तो भी बनेंगे। ओके सर, ठीक है, श्योर सर, थैंक यू सर। ओके जी प्रिया जी, दूसरा किसी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर ये अशुमिता जी हैं, इनको कर दूं? जी जी, किन्हीं को भी, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं, आज आप हमारे पोस्ट हो। ओके सर, मैंने इनको कर दिया अशुमिता जी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं बोलिए। सर मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2nd November 1999। नवंबर 1999। हाँ जी, क्या पूछना दीदी इसके बारे में आपको? इसका फ्यूचर के बारे में, मतलब इसका क्या सेट होगा, क्योंकि सीए का पेपर दिया तो वो क्लियर नहीं हो रहा है। सेट होने को दीजिए टाइम, और सीए की में तो सेट होगा ही नहीं। पहली बात तो सेट होने को इसके लाइफ के अभी कितना 1990 24 साल के बाद इसके लाइफ में सेटलमेंट आएगा। पहली बात 24 ईयर के बाद में, 24 ईयर के बाद में सेटलमेंट आ सकता है। और सीए में कैसा है, जो सीए का जो आप काम बोल रहे हो ना, ज्यादा सूट नहीं करने वाला इसको जी। लेकिन हम आज तो ये किस लाइन में जाएगा सर? तो बैंकिंग फील्ड में जान दीजिए, सीए के जो काम कर रहा है उसके लिए अपने फाइनेंस की फील्ड में या बैंकिंग फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है लड़का आपका। वैसे ये लॉ की भी तैयारी कर रहा है, लॉ की भी कर रहा है ना, लॉ की, और कमीशन के लिए भी सोच रहा है, कमीशन के पेपर की। गवर्नमेंट सेक्टर में फायदा है इसको, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन सीए प्राइवेट सेक्टर हो गया ना सीए का काम जी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है तो अच्छा काम करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जान दीजिए उसको। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे वो भी सीए की इसमें हो, तो ये कमीशन के एग्जाम दे सकता है सर? दे सकता है, जुडिशियली जो है उसमें भी जा सकता है, कमीशन के एग्जाम दे सकता है। लेकिन इसको बोले कि गवर्नमेंट सेक्टर से इसको फायदा मिलेगा, प्राइवेट का जो काम करेंगे उसमें ज्यादा मजा नहीं आएंगे इसको। ये जॉब के लिए बहुत अच्छा चार्ट है, ऐसे लोग जॉब ज्यादा अच्छा प्रिफर करते हैं जॉब। सर एक चीज और पूछनी थी, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है तो हमने इसका चेंज भी कराया सर्टिफिकेट में। डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया मतलब? मतलब इसका जो सर्टिफिकेट में कराया था तो 2nd November 2000 करा दिया था। ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल तो यही है जो आपको पहले बताया 1999। तो बस वो 1999 के हिसाब से देखा जाता है, आप डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रहे उसमें नहीं समझ में आता है, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसी से अपन कैलकुलेट करते हैं, बाकी से उसका कोई मैटर नहीं करता है। और सर ये बिजनेस में कैसा रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस करने की सोच रहा है, इसके पापा भी करते हैं। पापा का क्या बिजनेस है? मैंने आपको बताया था इनका सिक्योरिटी गार्ड जो HR का है, और हाँ, वो अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है, मतलब काम बढ़ाते हैं और काम कम होता जा रहा है। इसको कैसा है, जो बच्चे को है ना किसी अकेले बिजनेस तो करने में दिक्कत होंगी, अगर पार्टनरशिप में करेगा वो पापा के साथ करे या कोई दोस्तों के साथ करे या कोई रिलेटिव के साथ करे ज्यादा अच्छा है, लेकिन अकेला सिंगल बिजनेस करेगा तो थोड़ा ज्यादा परेशान रहेगा। पापा के साथ कर सकता है? हाँ, पार्टनरशिप में किसके साथ भी कर सकता है, दोस्तों के साथ कर सकता है, रिलेटिव के साथ कर सकता है, या तो अपने पापा मम्मी के साथ कर सकता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, अभी कविता जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते। प्रिया जी का? प्रिया जी का, सॉरी। बिल्कुल, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो आपके जो हमारे जो कोस्ट मैडम है प्रिया जी, प्रिया मूर्तियानी जी, इन्होंने हमसे एक डेढ़ महीना पहले एक कोर्स किया था प्रेडिक्टिव का, उससे उनसे इतना कॉन्फिडेंट आ गया उनको कि अभी वो आज से समूल आज इनका लॉन्चिंग है, कल से प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। तो हम चाहते कि हमारे जितने भी हमारे जो स्टूडेंट है या जो भी लेडीज लोग आप लोग आते हो या जेंट्स जो भी आते हो, अगर आपने ₹1000 भी इस सब चीजों के सीखने पे लगाए हो तो उससे कम से कम आपका आउटपुट ज्यादा मिले ना। आप सिक्के से जो अपने सीखने का फायदा नहीं है, आपको उसमें इम्प्लीमेंट करोगे जब उससे आप पैसा कमाओगे वो आपको फायदा है। तो आपको जब तो सीखना तो बहुत सारी चीज सीख गए हो, लेकिन आपको आगे मार्केट में आना है, कॉम्पिटिशन करना है, उसके बाद ही आपको मजा आएगा। थोड़ा मैं 2-4 सब इनके बारे में बोलता हूँ, फिर मैडम से अपन बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, जी, इंट्रोड्यूसिंग अवर टैलेंटेड स्टूडेंट मिसेस प्रिया एन मोतियानी, शी हैज बीन ए पार्ट ऑफ अवर 3 डेज कोर्स ऑन एडवांस न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स रिसेंटली,
एंड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नाउ शी इज फाइनली एंटरिंग द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी. शी इज द मोटिवेशन फॉर ऑल दोज हु आर इंस्पायर्ड टू एंटर दिस फील्ड बट आर ओनली थिंकिंग एंड नॉट टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप. अवर एडवांस न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स कोर्स बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑन हाउ टू मास्टर प्रिडिक्शन एंड गिव यूजफुल एडवाइस टू क्लाइंट. देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे दीदी भाई सभी से मेरी बात होती है. आपके लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, आप लोग सब 10-12 चीज एक साथ सीख जाते हो लेकिन उसमें प्रैक्टिस करना चालू नहीं करते हो. बहुत सोचते हो लोग क्या बोलेंगे, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा. सोचने में क्या होता है, आपके इतना टाइम निकल जाता है कि उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है. मेरा आप सब लोगों को सजेशन है कि जब भी आप कुछ करते हो उसका थोड़ा गैप लीजिए, 5-6 महीने का गैप लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए जो भी आप सीखे हो. जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस है वो अलग चीज का रहता है. प्रिया जी को मैंने पिछले 1-2 महीने पहले एक बैच में आई थी, इनको इतनी लगन है काम करने की, ये मुझे हर छोटी छोटी चीज मैंने इनको जो चीज समझता नहीं तुरंत मुझे व्हाट्सअप करेंगी नहीं तो कॉल करेंगी. और जितना जैसे मुझे एक रियल सिस्टर जैसी रहती वो हर चीज मुझे पूछ लेती है. जब आप में लगन रहेंगी तो आप किसी का आपके डाउट आएंगे, जब डाउट आएंगे तो आप मुझे कॉल करोगे. तो मुझे ऐसे बच्चे लोग चाहिए जिसके इसमें एक जुनून हो काम करने का. और ऐसे बच्चों के लिए मैं अपना प्रमोट मेरा फेसबुक पेज जो भी मेरा है सब जगह उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ. चलिए अभी प्रिया जी. हाँ जी सर. ओम साई राम सर. ओम साई राम जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में. सर अभी बस स्टार्ट ही किया है और आपकी कृपा है बहुत, आप सपोर्ट आपका बहुत अच्छा है सर, इसके लिए ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है करने के लिए. मेरी तारीफ नहीं करना, आपका एक्सपीरियंस बताइए, मेरी तारीफ मत कीजिए. सर मेरा एक्सपीरियंस वही आपसे ही जुड़ा हुआ है सर, कि आपने जो सिखाया वो सब वाकई में प्रैक्टिकली मैंने अभी जो मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ में मैंने जैसे मतलब उनको प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट किया तो बहुत करेक्शन आया है. और जो भी मुझे जहाँ भी अटक होती कंफ्यूजन होता है तो मैं सर से पूछ लेती हूँ तो एकदम तुरंत ही सब क्लियर हो जाता है. और सर छोटी से छोटी बात का भी एकदम अच्छे से जवाब देते हैं, ऐसे नाराज नहीं होते कि अरे ये क्या पूछ रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं. सर आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकूंगी. देखो आप हमारे लिए सबके लिए एक सैंपल हो, आपको फेल होने की सोचना ही नहीं है. अभी यहाँ से आगे जाने का एक रास्ता है, पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है. क्योंकि जैसे आप, मैं समझता हूँ कि कोई हाउसवाइफ रहती कुछ रहती है उनको कॉन्फिडेंस जरूर रहता है. तो आपके पीछे आपका भाई खड़ा है और भाई के पीछे सब लोग खड़े हैं. तो आपको सोचना नहीं, जब भी दिक्कत आए हमारे साथ आइए, हम आपको फोन करो, आपके क्लाइंट का भी मैं पूरा जज करके दे दूंगा. लेकिन आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतनी ज्यादा आपको खुद को कॉन्फिडेंट आएगा, है कि नहीं. तो प्रैक्टिस रोज करते रहिए, शुरू में आप फ्री कंसल्टेंसी दीजिए सबको, उसके बाद धीरे धीरे आपको लोग फिर पैसा देना चालू कर देंगे. देखिए मुझे भी ना, मेरे रोज अकाउंट में कोई 1000 रुपए आते, कभी 2000 आते, कभी 800 रुपए आते, मुझे पता नहीं था किसने पैसे भेजा. बाद में मुझे स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजता है, ना ही मुझे बताता है. लेकिन जब अपन अच्छा काम करते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं अपने पैसे देते रहता. तो आपके पास टैलेंट, आपका जुनून है काम करने का, पर आपकी जो एज है वो भी ऐसी एज है कि इसमें आप अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हो. तो कोशिश कीजिए आज से. जहाँ कहाँ पे रहना है आपका? सर मैं सूरत में रहती हूँ. अच्छा, सूरत के लोग तो वैसे भी गुजराती लोग ज्यादा मानने वाले रहते हैं न्यूमरोलॉजी को. अपना एक ब्रांड बनाइए, फेसबुक पेज को अपना प्रमोट कीजिए, पुरुषोत्तम जी पर ब्रांडिंग करते हैं उनसे बात कर लीजिए. तो इसमें क्या ज्यादा खर्चा नहीं आता, महीने में 3-4 हजार रुपए खर्च करोगे ना तो आपको महीने का 50-60 हजार कमाई हो जाती है. लेकिन एक महीने में नहीं, तो उसके लिए कम से कम 5-6 महीने अपने को मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे अपना नाम चालू होता है. तो ये मत सोचिए कि अपने 1 महीने का स्कीम लेके चल रहे हैं, अभी सोचे को 5-6 महीने अपने को मेहनत करना है, 10,000-12,000 खर्च करना है. उसके बाद जैसे 5-6 महीने हो जाएंगे उसके बाद आप सब लोग अच्छे से काम कर सकते हो. पर आपको फिर प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लोग अपने पास आएंगे और लोग आप अच्छे से काम कर सकोगे. घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंट कम दिख रहा है आज, लेकिन जैसे हाँ, क्लाइंट जैसे सर, क्लाइंट मैं गुरु दक्षिणा में आपको पूरी अपनी मेहनत दूंगी सर. मैं जितना कर सकती हूँ मैं 100% एफर्ट डालूंगी और हार्डवर्क करूंगी. मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई है. आप ये अगर प्लेटफॉर्म पे आए हो और कम से कम पहला स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है. आपने कम से कम ट्राई तो मुझे स्टेप तो ले लिया. कई लोग मेरे पास ऐसे जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ लेकिन वो स्टेप नहीं लेते, बस वो अपने आपस में रहते हैं, कोई अपने भाई बंधु बच्चे किसमें रहते हैं, उसमें आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. आपको थोड़ा दुनिया दूर जाना है, जब आप लोग तरक्की कर सकते हो, जब आपका नाम होगा. क्योंकि अगर आपको सिर्फ इतना, अगर आपको खुद के घर का दिखना तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो 1000-2000 में कोई बता देगा आपको. जब आपने सीखे हो सब कुछ, पैसा खर्च किए, मेहनत की है, उसमें आपको पैसा कमाना भी सीखना चाहिए सब कुछ. जी सर ठीक है. और कुछ बताना चाहते अपने बारे में? सर अभी तो शुरुआत की है, अब आगे देखते हैं.
बस आपका सपोर्ट और साथ रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे सर। सर मैं एक्चुअली हाउसवाइफ हूँ, पिछले 21 साल से कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन बस यही था कि अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। ऐसे टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ है लाइफ में, लेकिन एक अपनी भी पहचान होनी चाहिए, बस उसका ही था। और न्यूमरोलॉजी में शुरू से बहुत इंटरेस्ट है, नंबर्स बहुत पसंद है, और आपका सर इतना अच्छा साथ मिला है ना कि मुझे बहुत हिम्मत मिल गई है। यदि आप अकेले हाउसवाइफ नहीं हो और आप 21 साल से घर में नहीं हो, ऐसे मेरे जितने भी क्लाइंट है, जितने भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी है पिछले एक दो साल में, सब लोग ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन कोई भी अपने अच्छे प्रोफेशनली आ नहीं पा रहा है। मुझे इस आपको देख के खुशी मिलती है कि आपने जो पैसे लगाए हो, जो मेहनत किए हो, उसका आप खुद अभी स्टेप लेके आप थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप मेरे लिए आज ही सक्सेसफुल हो गए हो, जब आज यहाँ पे बैठे हो तो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल हो गए हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप जुड़े रहिए इसमें, आप सबको अनम्यूट कीजिए, आज आपका ही दिन है, आप जिसको बोलेंगे उसको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है जी सर। ओके, कांग्रेचुलेशन सर। एक हरिंदर जी है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। हरिंदर जी बोलिए। एक मिनट सर, मैं हरिंदर जी को अनम्यूट कर दूं एक बार, फिर मैडम करेंगी। हरिंदर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आपको। जी हरिंदर जी बोलिए। एक मिनट पुरुषोत्तम जी, हरिंदर जी आ गए क्या? आ गए सर। ये आप बोलिए हरिंदर जी बोलिए। ओम साई राम गुरु जी। ओम साई राम सर जी बोलिए। कहते हैं गुरु जी? मजे में, आप बताइए हरिंदर जी क्या चल रहा है? मैं भी बहुत मस्त में हूँ, मजे आ रहे हैं। शेयर कीजिए कैसा लगा सर। मैं तो सर से करीब 2 महीना पहले सीखा हूँ, और अपना जो भी सर मेरे बारे में प्रिडिक्ट किए हैं वेट कर रहा हूँ और पेशेंस रखा हुआ हूँ। और ये सर के जो भी कोर्स हैं, कोर्स के दौरान 15 या 16 टॉपिक हैं, उनको गौर से देखिए और सर जो बताते हैं उनको ध्यान रखिए। अगर अपने अपने बारे में तो कीजिए ही, और दूसरे अपने फैमिली के बारे में कीजिए। जो सीखने के पर्पज से आ रहे हैं वो फुल्ली रूप से सीखिए, जैसे अभी मैडम प्रिया मैडम ने बताए तो उसको ले लीजिए और बढ़िया से सीखिए और अपना एक्सपीरियंस है। मैं अभी फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल कर रहा हूँ, डेली मैं 10 से 15 कर रहा हूँ। मेरे पास चार्ट है, देखिए ये मेरे चार्ट, मैं डेली 15 से 20 चार्ट बनाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं थोड़ा सा एस्ट्रो का भी बेसिक अपने से कर रहा हूँ, अभी यूट्यूब से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु जी बताए हैं कि फरवरी के बाद से मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा, और मैं भी प्रिया मैम की तरह आगे बढ़ूंगा, गुरु जी का आशीर्वाद है। और बहुत मजे है, मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं 2-3 का बताया, बहुत खुश हुए, वे मुझे पैसे देने लगे हैं, तो बोले मैं पैसे अभी नहीं लूंगा, जब आपके कान बन जाएंगे तो मुझे आप अपने मन से देना। हरेंद्र जी पैसे कोई मन से दिया तो ले लिया करो, पैसों को अगर अपने मन से दे रहा है छोड़ने का नहीं। दे नहीं रहते, मैंने आपकी फीस पूछ रहे थे, आपकी फीस क्या है, वो जब खुश हो रहे थे आपकी फीस क्या है, बोले कि अभी पैसे की अभी नहीं है, आपके काम बन जाएंगे तो आप हमें दे देना, कॉल करना। सही बात है, तो बहुत मजे आ रहे हैं सबको। सर जो रेमेडी रेगुलर बेसिस में बताते हैं उसी रेमेडीज को मैं ज्यादातर बताता हूँ, कुछ अपने आप को चेंज करने के लिए उनको बोलता हूँ, और बहुत छोटे छोटे रेमेडी बताता हूँ, जो सर का तो बेसिक रहता ही है वही बताता हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप हरेंद्र जी। आपको भी हमारे यहाँ पे लॉन्च करना है, 1-2 महीने में हम आपको, आप पूरी तैयारी कर लो, आप भी प्रोफेशनल में आपको लॉन्च कर देंगे 1-2 महीने में एकदम। गुरु जी आपके साथ ही रहना है, हमें बोलते किसने किया तो बोले कि हमारे गुरु जी है और मैं किसी से करना नहीं है, बस यही 15-16-17 टॉपिक है, उसी को लेके फॉलो करना है, उसी को सीखना है, उसी को आगे बढ़ाना है, बस इतना भी कहना। हरेंद्र जी देखो, मुझे आपको सबको बताया कि मुझे उसके अलावा कुछ आते हैं, मुझे सिर्फ लोसो की सिखाऊ और कुछ नहीं सिखाऊ, उसी के भरोसे अगर मैं इतना सारा काम कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। जो मुझे आता मैंने आप सब लोग को बता चुका, जो मेरा क्लास लिए, तो जितना मुझे आता उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो सीखने के पर्पज से आए हैं, जो न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं आज के वेबिनार में, जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है बता रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगी आपको। और जो सीखने के पर्पज से आ रहे हैं उसको आप लीजिए और सीखिए, आपका भी कल्याण होगा, आपके फैमिली का भी कल्याण होगा, इतना कर रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। हमारे फैमिली को सर, मैं अपने फैमिली को ही बोला हूँ, वो भी किए हैं, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ है सर, लाभ हुआ है।
गुरुजी से इतना ही कहना कि मुझे हमें अपने पास बनाए रखेंगे हमेशा। नहीं नहीं वो तो बात ही कहने की वाली बात ही नहीं, आप सब लोग मेरे घर के मेंबर हो, जैसे मैं सबको सपोर्ट, जब भी आप आगे आओगे तो मैं आपको दो चार सपोर्ट मुझे मिलेंगे, आप एक कदम आओ चार कदम मैं आपके साथ चलूंगा, मतलब आप कोशिश करो उसके अंदर सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको, जैसे प्रिया मैम को मेरा सपोर्ट मिला है वैसे आप सभी लोगों को मेरा सपोर्ट पूरा पूरा मिलेगा। मुझे तो सब तो बोलते हैं, बहुत से कॉल आते हैं, पता नहीं नंबर कैसे पता चल जाता है, फेसबुक से ही लेते होंगे, वो बोलते हैं कि आप करना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि कमेंट भी मैं करता हूँ ना सोशल वर्क में, हाँ आपके जॉब हो जाएंगे ऐसे वैसे, तो उन लोग से देख के वो लोग कॉमेंट करते हैं, ऐसे पता चलता है आप फोर्स करना चाहते हो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू हरेंद्र जी, ओके ओके थैंक यू हरेंद्र जी। विशाल चौहान जी को अनम्यूट कीजिए, विशाल चौहान जी, विशाल सर चौहान बताए, विशाल चौहान, विशाल चौहान जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, ये सर अनम्यूट हो गए सर वो, सर जी बोलिए, विशाल जी वापस म्यूट हो गए, आप बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट हैं मैं सर, विशाल जी प्रिया मैम लीजिए, किसको अनम्यूट कीजिए आपको जो पसंद होगा उनको। हेलो बोलिए, हाँ ठीक है, हाँ सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 5th अप्रैल 1987, बेटा एक मिनट फिर से बोलिए डेट ऑफ बर्थ आपका, डेट ऑफ बर्थ बोलिए फिर से बोलिए, 5 अप्रैल 1987। सवाल पूछिए। हाँ सर मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है सिर्फ, उसमें कुछ ग्रोथ वगैरह नहीं आ रहा है, तो वही पूछना था कि क्या ग्रोथ मिलेगा बिजनेस में या नहीं। टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो आप? मैं सप्लाई करता हूँ बेकरी रॉ मटेरियल। बेकरी रॉ मटेरियल, एक नंबर बोलिए 51 से लेके 77 के बीच में। 56। कंफ्यूज हो माई, ये जो काम कर इसमें पूरा मन नहीं लगा रहे क्या? मेरे को नहीं लग रहा पूरा अपना 100% दे पा रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा आपके दिमाग में। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो जब तक देखो यार भाई जी, हाँ जी हाँ जी ठीक है, लेकिन जब तक आप पूरा 100% नहीं दोगे, देखो मैं जो काम करता पूरे दिल तन मन धन से करता हूँ, जैसे जो भी आप काम करो ना पूरा मन लगा के करो, तो जब आप काम कर सकते हो, कभी देखो आधा कंफ्यूज इधर रहेगा आधा उधर रहेगा, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला साल जो है ना 2022 वो टाइम पर अच्छा आपके लिए पैसे कमाने के लिए भी, तो 2022-23 आपके लिए अच्छा, लेकिन फोकस को बढ़ाने आपका जो काम करने का तरीका उसमें मेहनत ज्यादा करो और फोकस ज्यादा हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, थोड़ा जो कभी कभी आप आलसी हो जाते होंगे कभी कभी। हाँ सर हाँ सर हाँ, तो आलसी बना भी कम करो बस, ठीक है, अगले 2 साल आपके लिए अच्छे है। ओके बिजनेस ठीक है ना, बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस ठीक है, ऐसे 2 तकलीफ आपके बताए आपको मैंने, आलस नहीं करने का और दिमाग में डबल माइंड नहीं लेने का, एक बार शादी करना यदि अभी भाई मैं शादी नहीं करूंगा, फिर 2-4 दिमाग में मत घूमो, जो भी काम करना है दिमाग में फाइनल करो, एक ही काम करो उसको अच्छे मन लगा के करो, तन मन धन से एक काम करो। ओके सर ठीक है सर, ठीक है, शादी हो गई? हाँ सर हो गई। कैसा है? बस समझ गया, जय श्री राम। प्रिया जी दूसरे को अनम्यूट कीजिए, प्रिया जी। सर हाँ जी सर, ये गुरप्रीत जी को करूं? आपकी जिस आप हम पोस्ट आपको जिसको लगता है उसको अनम्यूट कीजिए, पूछने की जरूरत नहीं है। गुरप्रीत जी को कर दिया सर। गुरप्रीत जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। गुरप्रीत कोहली जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। नॉट एबल टू। या नाउ ओके। यस नाउ आई एम एबल टू। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इन। सो सो माय क्वेश्चन वुड बी रिगार्डिंग मैरिज। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 मई 1994। फिर से बोलिए एक बार आराम से। 29 मई 2905 1994। मई 1994।
था, शादी को लेके आया ना? Yes sir, sir I have been married once, so my question is majorly ki I am separated basically. So will the... सवाल आपने पूछ लिया, मैं आपको बोलने वाला था कि शादी हो गई आपकी, तो आपने मुझे बता दिया कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है. Yeah, so is it going, 4 साल से we are separated, so is it going towards reconciliation or a divorce or दूसरी शादी, or how this seems to you? आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए. 3 May 1987. एक चांस तो मिलेगा आपको, फिर से एक बार जाके बातचीत करो, एक बार चांस मिलेगा आपको साथ में रहने का. उसके बाद है, उसके बाद अगर जमा नहीं तो हो सकता है 2023 में डाइवोर्स के चांस आएंगे. लेकिन जो करंट ईयर चालू है ना, मार्च जून जुलाई के पहले, आपको ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, एक बार उनके साथ रहने जाओ. तो डाइवोर्स की जो आप बात कर रहे हो ना, 2022 के बाद चांसेस बनेंगे. लेकिन फिलहाल जो चांसेस है ना, ये आप एक बार उसको समझौता होने को, कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है. हो सकता है कि आपको लेने आ जाए, तो या तो आप चले जाओ उनके घर में साथ में रहने के लिए. एक बार कोशिश कीजिए, जम गया तो अच्छी बात है. ये जून जुलाई के पहले होगा, जो भी होगा. अब ये जून जुलाई 2022 के पहले एक समझौता की कोशिश होने के चांसेस बन रहे. नहीं हुआ तो दूसरी शादी होने के भी चांस है आपके, लेकिन टाइम है उसको, तो 2024 के आसपास आएगा वो. थैंक यू सो मच. वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो अबाउट द कोर्स, दैट्स अ 3-day कोर्स एंड द डिटेल्स ऑफ द कोर्सेज बेसिकली. अभी हम 2 मिनट में बता, अभी एक चालू रुक के बताते आपको. पुरुषोत्तम जी, जी देखिए हमारा जो कोर्स, जी जी हमारा जो कोर्स है, हाँ हाँ देखिए हमारा जो कोर्स है वो उनके लिए है, या तो वो लोशु ग्रिड बनाना जानते हैं, या न्यूमरोलॉजिकल में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं अंकों के साथ और प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं. जब कोई भी आपके पास आता है, आपको सब नॉलेज तो है लेकिन आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो, ना ही उसको कुछ बता पा रहे हो, तो ऐसा कोर्स सीख के क्या करना. तो हम यहाँ पर बताते हैं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से आप क्या क्या कर सकते हैं. वो जो 15 पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. हमारा जो अपकमिंग कोर्स आ रहा है वो है 3 डेज ऑनलाइन वीकेंड न्यूमरोलॉजिक ट्रिक्स वर्कशॉप, जो कि है 19, 20 और 21, 19, 20 और 21 नवंबर को. टाइमिंग इसके ये ऑनलाइन पे जूम रहेगा. टाइम रहेगा इसका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को, 8 PM to 10 PM. जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6666 है, जिसको अभी कम कर 5100 रुपये कर दिया गया है, 5100. इसको जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो सर का नंबर नोट कर ले, 9999366955. एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, 9999366955. और अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर लिख लीजिए, 7666555017. आपको क्या क्या मिलता है इस कोर्स में? इस कोर्स में आपको ये 15 पॉइंट तो सिखाए जाते हैं, इसके साथ ही आपको मिलता है हमारे सर का लाइफ टाइम सपोर्ट. इसके अलावा आपका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर आप रहते हैं, आप आपस में डिस्कस करते हैं, और किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप कभी भी सर से आप बात कर सकते हैं. आपको सर्टिफिकेट किया जाता है कि आपने हमसे ये ऑनलाइन कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाता है. इसके अलावा आपको कंप्लीट मास्टर PDF दी जाती है जो आप रिविजन कर सकते हैं. इसके अलावा भी हम आपको हमारी अपकमिंग जो भी नेक्स्ट क्लासेस आती हैं, 1, 2, 3, कभी भी आप हमारी 1, 2, 3 में से किसी में भी जब भी आप चाहें उसमें एंटर कर सकते हैं. उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है. इट मींस यू पे वंस एंड यू कैन एंटर 2-3 टाइम. सो ये बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है. और हम इसमें क्या क्या सिखाते हैं, हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, शादी, बच्चा, फैमिली सपोर्ट, मल्टीपल, वो सब सिखाया जाता है, जो कि इस प्रकार है. प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, यानी कि अभी सर ने किसी से पूछा 77 के बीच में से और 81 के बीच में से कोई नंबर बताइए, उस आधार पर भी प्रिडिक्शन की जाती है. वो किस तरीके से की जाती है वो आपको बताया जाएगा. सर ने अभी किसी से पूछा 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बताइए, किसी ने बोला 6, किसी ने बोला 5, तो सबके क्वेश्चन के आधार पर क्या प्रिडिक्शन हो सकती है वो आपको बताया जाएगा.
और डेस्टिनी साइकिक्स नंबर जो होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि उनकी क्या कंपेटिबिलिटी है, क्या है, इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ। हमारे हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर काफी मल्टीपल इवेंट होते हैं, शादी, बच्चा, कोई मेडल लाना, किसी की डेथ, किसी की कुछ भी, किसी भी तरह का मेजर इवेंट जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, वो इवेंट कैलकुलेशन भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ से एक मल्टीपल इवेंट निकाल सकते हैं और आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ ईयर ऑफ द पर्सन, किस तरीके से किसी की लाइफ के कौन कौन से एरा होते हैं जो उसकी लाइफ टाइम में सेटल होने के रहते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे इस कोर्स में। एंड बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जो कि किसी भी क्लाइंट के लिए बहुत ही जरूरी है, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपके उससे किस बेसिक बातों को पूछना रहता है ताकि आप उसकी प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट जाए, इसमें भी 20 से 25 पॉइंट है जो आपको बताए जाएंगे जो काफी हेल्पफुल रहेंगे। हमारे काफी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है क्योंकि सब लोगों ने न्यूमरोलॉजी की हुई है लेकिन उनको बेसिक ही नहीं पता है कि हम उससे कस्टमर से कैसे बात करें, हमें क्या करना चाहिए, तो ये काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा सन प्रिडिक्शन, जैसे अभी सर ने एक लेडी से पूछा आपको एक लड़का है ना, और उन्होंने कहा हाँ, तो ये आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ से, कैसे किसी की एक लोशू ग्रिड की ग्रिड देखकर आप सन और डॉटर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग, किसी की नेम स्पेलिंग गलत नंबर पे आना आपकी लाइफ में किस तरीके से एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली बताया जाएगा। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, फैमिली सपोर्ट, ये तीनों एक मेजर पॉइंट है जो हमारी क्लास में सिखाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि सर ने लगभग तीन लोगों से पूछा आपकी लाइफ कैसे चल रही है मैरिज, सब लोगों ने बोला जय श्री राम, हमारी प्रॉब्लम है हमारे को, वो सर ने आपसे बिना पूछे ही कैसे बता दिया, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ, आप जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं उस डेट ऑफ बर्थ को देखकर आप किसी को ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके उसके क्या नंबर होते हैं ये बताया जाता है। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट के नंबर क्या है वो बताया जाता है। मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन किसी आदमी की क्या है, कोई बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है लेकिन हमें पता है कि उसकी मनी फ्लो उसकी लाइफ में है या नहीं, या उसकी फाइनल कंडीशन, फाइनेंस कंडीशन कैसी है, ये आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखकर, उसको ग्रिड देखकर बता सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशनशिप और बिजनेस, ये भी बताया जाता है। अभी सर ने किसी से पूछा था कि देखिए आपके कैसे चल रहा है लाइफ, तो इंडिकेट यही कर रहा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड के या उनके कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप हैं या मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इस तरीके से आप भी हमारा ये कोर्स कर बता सकते हैं कि सामने वाले की लाइफ में मल्टीपल रिलेशन है या नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के नंबर आपकी ग्रिड में है या नहीं, इनकम आपकी गवर्नमेंट जॉब से है या नहीं। अभी भी सर एक एग्जांपल अभी आज के ही केस में देख लीजिए, उन्होंने पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, ये करना चाहूँ या ये करना चाहूँ, तो सर ने बोला गवर्नमेंट जॉब में चाहिए क्योंकि आपके गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सपोर्ट है, ये भी आपको बताया जाएगा। Prediction of children born in 2000 or afterward in which is only 2-3 number in present. बहुत लोगों ने न्यूमरोलॉजी की हुई है, ग्रिड भरी हुई होती है, हर नंबर के आधार पर कोई ना कोई प्रिडिक्शन कर ली जाती है, लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें काफी कम नंबर है। यहाँ पर बड़े से बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट भी आकर अटक जाता है और वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन हमारी इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी प्रिडिक्शन कैसे की जाए। तो ये सब वो पॉइंट थे जो बहुत मेडिकल रिजल्ट देंगे। आपके क्लाइंट आने वाला आपसे क्या पूछता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ नहीं है, मेरे लाइफ में शादी कब होगी, मेरा इवेंट निकाल दो, ये बता दो, वो बता दो, हम आपको इतना परफेक्ट बना देंगे। जैसे प्रिया जी मोतियानी ने हमारे से एक डेढ़ महीना पहले ही कोर्स किया है और वो आज इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई, इसी तरीके से आप भी अपने लाइफ को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन अवर कोर्स जो कि अपकमिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया 19, 20 और 21 नवंबर को रात को 8 से 10 बजे के बीच में, केवल 3 दिन का कोर्स है। आप हमें केवल आपकी लाइफ के 6 घंटे दीजिए और हम आपकी लाइफ में एक मेडिकल चेंज लाने वाले हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट, अपकमिंग क्लासेस फ्री, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं पर भी इन कोर्सों में नहीं मिलती है, और वेरी लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन प्राइस में हम लेके आए हैं जो कि है 5100। किसी भी क्योरी, किसी भी
ग्रुप में आप बने हुए हैं, वहां पर आपसे ये सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, पेमेंट डिटेल जो कि हमारे स्क्रीन पर है। इसके अलावा आपको पर्सनली भी किसी से बात करके कोर्स के बारे में कोई क्वेरी होती है तो सर का नंबर है 9990369555, 9990369555। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, 7665550178, 7665550178। थैंक यू, ओवर टू यू सर। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं सर? देखिए आप कर कोशिश करो, अगर आप लोग एक कदम चलोगे तो आपको तीन कदम का सपोर्ट भी हमारे तरफ से मिलेगा। आप सिर्फ जितने भी लेडीज उनको मैं ज्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिन हाउस वाइफ हो, अगर आप आगे जाओगे तो हम आपका आपका भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी बोले आपको पूरा सपोर्ट करेगा। अब मेंस में कॉन्फिडेंट होता है, मेंस आगे चला जाता है, लेकिन लेडीज लोग बहुत सोचते हैं आगे जाने के लिए। तो लोगों की चिंता मत कीजिए, अगर आपको आगे जाना है तो शुरुआत आज से कीजिए, कल का मत सोचिए, शुरुआत आज से कीजिए। आप सब में टैलेंट है, आप सब में भगवान ने आपको एक शक्ति दिया जो आप आगे की सोच सकते हो, और आप जो बोलोगे अच्छा निकल सकता है। तो आइए एंटर कीजिए। अगर आप मेरे पास कोर्स भी नहीं करते हो, जो भी आपने कोर्स किया उसके भरोसे कुछ ना कुछ कीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे पास कोर्स कीजिए, नहीं करे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करोगे कहीं ना कहीं स्टेबल हो, अपना नाम कमाओ। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हो सब चीजों में, जो मेहनत की हो वो सब चीजों के आप उसका आउटपुट लो, कहीं ना कहीं आप जाके एक जगह स्टैंड करो अपने आप को। थैंक यू सभी लोगों को। सज्जित केसवान जी को अनम्यूट कीजिए। सज्जित केसवान जी, एक मिनट सर, सज्जित केसवान है, केसवान जी अनम्यूट है सर, अनम्यूट है सर, बोलिए। अजय जी नमस्कार। नमस्ते, ये हमारे अभी लेटेस्ट बैच वाले हैं सर, पिछले बैच में इन्हें अभी इनरोल किए थे। बोलो ना, आप बताइए सर आपका एक्सपीरियंस, ये पहले से न्यूमरोलॉजी करते हैं हमारे सर, ये अभी थोड़ा अपडेट किए ने सर अपने आपको, सर बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सॉरी अजय जी मैं वीडियो पे नहीं आ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट मैं आपसे एक्सपीरियंस सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं करीब 10 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ एंड इंडिपेंडेंटली यू नो इंस्टाग्राम में भी कर रहा हूँ, फेसबुक में भी कर रहा हूँ, बट एंड काफी लोगों को मैंने फॉलो किया है, 2-3 मेरे गुरु भी हैं इस फील्ड में, लेकिन आज तक अजय जी जैसा ट्रेनर और अजय जी जैसा साफ मन वाले ट्रेनर मेरे को आज तक नहीं मिले। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं US में रह चुका हूँ 4-4.5 साल, वहां भी एक दो हैं जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वेस्टर्न स्टाइल में, उनसे भी सीखा है मैंने। सो जैसा कि जो इसके पहले पूजा थी या कोई तो थी जो प्रिया जी, उन्होंने जैसा बोला, मैं एक्चुअली ट्रेनिंग अटेंड किया, उसके बाद अजय जी का ऐसा है पैटर्न कि 11 से 12 के बीच में हर दिन वो अपने आप को अवेलेबल रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो उनसे कॉल पे बात करके क्लैरिफाई करना चाहता है चीजें। तो मुझे लगा कि शायद मैं कॉल करूंगा तो सर को इरिटेशन होगी, हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे को जो डाउट थे मैंने पूछा, 2 बार अभी कॉल किया और इतने सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर, मैं ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड जो भी आपने सिखाया है और वो पता चल जाता है कि जेन्युइनली आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उनको लर्न करें, तभी आप 2-3 बैच में आने का उनको मौका भी देते हैं ताकि एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार समझ लो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम लकी दैट आई मेट यू। थैंक यू। नया कुछ सीखने मिला ना सर हमारे बैच में आके आपको? मैं एक्चुअली जब आप ये डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो ना, जो भी आज कॉल पे आपसे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, मैं पैरेलली एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करके मैं वो डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा आपने वो सिखाया था, ओके ये वाला टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत नई चीजें मैंने सीखी है जो मैं काफी टाइम से, जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग के पहले ही बोला था, मैं प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में थोड़ा वीक था, तो आपकी क्लास अटेंड करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया काफी। आपको इन सर की तरह कोई महारत हासिल होकर हमारे कोर्स में आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप महारत हासिल करके आते हैं तो भी आइए, अगर आप जीरो से आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको ये पता है कि लोशू ब्रिड कैसे बनाते हैं, तो भी अगर आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो भी आप प्रेडिक्शन इजीली कर पाएंगे। और ये बात बहुत मेन बोले पुरुषोत्तम जी ने, हमको एकदम ऐसे 100-200 कोर्स करके आने वाले लोग नहीं चाहिए, हमको जिसको कुछ नहीं आता है या तो जिसको बिल्कुल छोड़ा कम भी आता है उसको हम एकदम परफेक्ट बना देते हैं। हमको सिर्फ आप 3 दिन दीजिए, हम आपको 15 दिन में इतना एक्सपर्ट बना दूंगे कि आप किसी का प्रेडिक्शन आराम से कर पाओगे। आपको सिर्फ 3 ही चीज आने की जरूरत है, एक तो लोसो किट बनाना आना चाहिए, पर्सनली निकालना आना चाहिए, और एनिमी और फ्रेंड नंबर क्या है, ये 2-3 चीज आपको अगर पता है
तो बाकी सब काम हम आपसे खुद ही करा लेते हैं, जो ट्रिक्स बताएंगे आप जब इम्प्लीमेंट करोगे उसको आप इजीली हर कुछ कर पाओगे। बोलिए पुरुषोत्तम जी। जी जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था, मोस्ट वेलकम है आप सबका, प्लीज ज्वाइन द क्लास और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इसको जाने मत दीजिए अपॉर्चुनिटी को। सर अब नेक्स्ट किनको आप बोलिए, जिनको प्रिया मैडम, प्रिया जी आज अपने अपने होस्ट है, प्रिया जी जिसको बोले सर, ये सुनीता के जी है लिस्ट में नेक्स्ट। हाँ तो करिए, अनम्यूट कर दिया सर, उनको कर दिया आज तो उनको बोलिए, उनसे वार्तालाप कीजिए प्लीज। जी सुनीता जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, हाँ सुनीता जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या आपके? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उसके करियर के बारे में। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 7 2002। क्या पूछना दीदी बोलिए? उसके करियर के बारे में पूछना है, मतलब वो जॉब में करियर करेगा या बिजनेस में करेगा? इसके लिए ज्यादा बिजनेस सूट करेगा दीदी, अगर बिजनेस में जाएगा तो लड़का बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन शुरुआत का जो फेज है हो सकता है जॉब करे, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में बिजनेस ही करने वाला आपका बच्चा। तो शुरुआत में वो जॉब मतलब करेगा? शुरुआत में इच्छा होगी तो जॉब कर सकता है, लेकिन जो फ्यूचर दिख रहा है मेरे को इसका बिजनेस में फ्यूचर दिख रहा है, जो सेटल होगा बिजनेस में सेटल होगा, हो सकता है शुरुआत में एक दो साल जॉब कर ले, लेकिन जो फ्यूचर है इसका ये बिजनेस ही करेगा फ्यूचर में। बिजनेस करेगा, अच्छा। मैं और किसी के बारे में पूछ सकती हूँ? मतलब एक बार में एक ही चीज बारे में पूछ सकते हो? ठीक है, ओके थैंक यू। प्रिया जी अनम्यूट कीजिए दूसरे को। हाँ जी सर, ये आयुषी लालवानी जी कब से वेट कर रही हैं। आयुषी लालवानी जी प्लीज आप बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। बोलिए, नमस्ते जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मुझे भी अपने बेटे के बारे में पूछना है, वो भी कनाडा में है हायर स्टडीज के लिए, 21 जनवरी 1999। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है बेटे का आपका, चिंता क्या हो रही है आपको? फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे चल के। okay. जैसे 24 जैसे 24 ईयर क्रॉस कर लेंगे ना, उसके बाद इसका फ्यूचर बहुत अच्छा, आगे जाने वाली बच्ची है आपकी। नहीं बेटा है। हाँ बेटा है, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ है ना, ये 24 ईयर के बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है ऐसे आदमी। अच्छा हाँ जी, अच्छा एक और इफ यू डोंट माइंड, वो भी दूसरा बेटा ही है। नहीं दीदी एक बार में एक ही का लेते हैं हम लोग, आज वैसे भी हमारे को रश आपको है। ये बेटे के बारे में आपको पूछना, एक ये बेटे के बारे में पूछना तो पूछ सकते, कोई और सवाल होगा तो आपको। अच्छा तो ये जॉब में ही आगे एक्सेल करेगा? जॉब ही करेगा दीदी, जॉब के लिए बहुत अच्छा चार्ट, इसको जॉब करेगा तो बहुत लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस करेगा तो दिक्कतें महसूस कर सकते हैं, लेकिन जॉब में बहुत अच्छा काम करेंगे लड़का आपका। ओके थैंक यू, प्रिया जी अनम्यूट कीजिए। सर ये ज्योति जी कब से ट्राई कर रहे हैं, ज्योति जी बोलिए। प्रिया जी हमारे भाई साहब को लीजिए, भाई लोग नहीं तो नाराज हो जाएंगे अभी। ज्योति जी सर, तो जी सर, ज्योति जी बोलिए। हाँ सर, मुझे एक्चुअली मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखना है, तो न्यूमरोलॉजी कितने दिन का कोर्स है और आप ऑनलाइन में कैसे, यानी टाइमिंग क्या रहेगा? हमारा जो कोर्स है रात को 8 से 10 बजे का, 3 दिन का कोर्स है। अच्छा, रोज फ्राइडे सैटरडे संडे का रहेगा, ये जो कल से चालू हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे को रहेगा, 3 दिन का कोर्स है। और सर फीस क्या रहेगी? फीस है पुरुषोत्तम दीजिए बता दीजिए। 5,100 रुपए हमारी फीस है। 5,100। ओके ओके सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा लड़का है अभी पढ़ रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2005 ना। हाँ तो उसका करियर कैसा रहेगा? टूपर लड़का है, उनकी क्या चिंता करते हैं, लड़की आगे चल के बहुत अच्छा काम करने वाला है। ओके सर, ये जो लड़के का भविष्य है ना, 27 साल के बाद इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं ऐसे बच्चे लोग 27 ईयर के बाद में, कि पता नहीं चलता आगे कैसे चले गए। ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम अभी थोड़ा आपको लग रहा है स्लो है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। ओके थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके दीदी। मनोज गुप्ता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मनोज गुप्ता जी हेलो। हाँ गुप्ता जी बोलिए।
सर बिजनेस का पूछना है मेरे को अपना। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मई 1968। 6 मई 1968। यस। क्या पूछना, बिजनेस का बोलिए। कंस्ट्रक्शन का काम है जी, बंद पड़ा हुआ है मेरा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो गुप्ता जी, बहुत दिमाग में मुझे काम है जी, दिमाग बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में अभी। ओके सोचना थोड़ा कम करो, मेरे हिसाब से जो काम है ना आपका। हाँ जी। 6, 5, 11, 5, 6, 1, 4, 5, 16 प्रॉपर्टी का काम है ना आपका? नहीं, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है मेरी। गवर्नमेंट जी फायदा का ये होगा ना, अगले साल बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। Okay. अगले साल जो आपका अगले साल दो मतलब फरवरी 2022 के बाद। हाँ जी। और 2000 जून 2023 के बीच में गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा पैसा आने के चांसेस है। वो टाइम पे आपको पैसा और काम भी अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, और जो काम आपके रुके जो पैसे रुके वो भी वो टाइम में आपको मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सर ये नवनीत बी बारेती जी को ले लीजिए। नवनीत जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। 2/11/1984। हेलो जी जी। हाँ क्या नोट डाउन? जी 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 सर। हाँ तो वही ऑकल्ट फील्ड में है क्या प्रोग्रेस? दो मिनट सर, आ ही रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। संपर्क संपर्क टूट गया सर का। हाँ हाँ दो मिनट आप सब होल्ड कीजिए, सर का कनेक्शन टूट गया है, दो मिनट में आपसे आप हो गए। क्या डेट ऑफ बर्थ बताई सर आपने? 2/11/1984। सर पीछे आपके वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है बच्चों की। 2/11। हेलो सर, आप वापस हैंड रेस कीजिए क्योंकि आप गुम हो गए। पुरुषोत्तम जी मैं आ रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक मिनट थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा आराम से करिए, आराम से करिए सर। जिनका क्वेश्चन था वो भी थोड़े कहीं मिस हो गए कहीं पीछे। ये नवनीत जी प्लीज अनम्यूट कीजिए वापस। हाँ वापस म्यूट हो गए था मैं सर। हाँ सर म्यूट में तो ये और पीछे बच्चों को थोड़ा शांत करा दीजिए। हाँ, 1984। ओके सर, दो मिनट दीजिए। और आपका सवाल भी पूछ लीजिए। ऑकल्ट फील्ड में प्रोग्रेस। एक मिनट सर, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए थोड़ा मुझे। 2/11/1984 सर। अभी पूछिए, अभी चालू किया सब, बोलिए। हाँ ऑकल्ट फील्ड में प्रोग्रेस है क्या? तो आप कर सकते हो लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ऑकल्ट फील्ड में आप कोई भी फील्ड में जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको आउटपुट तो मिल जाएगा लेकिन मेहनत के बाद मिलता है, आपको इजीली नहीं मिलता है कोई भी चीज का आउटपुट। आपको ऑकल्ट फील्ड के लिए काम, आपका चार्ट तो अच्छा है लेकिन मेहनत उसको आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दोनों कोई भी काम करना है उसके लिए आपको 2/8 का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये वाले फील्ड में काम आप अच्छा कर सकते हो ऑकल्ट साइंस में आप। धन्यवाद। प्रिया जी। जी सर लीजिए। सर ये रजनी रजनी जी को कर दूं? रजनी जी जी, जी मैम आप जिसको बोले उसको। जी रजनी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। रजनी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर रेणु जी को ले लेते हैं। जी जी ले लीजिए। रेणु जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। सर हस्बैंड का ही पूछना था, इज नॉट वेल और उनका काम जो है बॉम्बे में बुला रहे हैं, तो बॉम्बे डायरेक्शन सूट करेगा उनको? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/1/1955।
तुम से काम करने जाना चाहते हैं? एक्चुअली उन्होंने सारी लाइफ बैंक में लोन्स डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे काम किया है और अभी भी वो एक बैंक है और वो बुला रहे हैं उसी पोस्ट के लिए. ओके. हाँ जी. आफ्टर रिटायरमेंट ही इज रेडी टू वर्क और वो उनको बुला रहे हैं कि आप आ जाओ फर्म. बहुत अच्छा सूट करे. हाँ दीदी, अगर मुंबई अगर जाते हैं तो इनके बहुत अच्छा सूट करेगा. okay. जो इनको अगर कोई ऐसी मजा भी आएगा काम करने में, तकलीफ भी कुछ नहीं होंगी इनको वहां जाके. अच्छा वो वर्क को वर्क एंजॉय करेंगे ऐसा मेरा बोलना है. अगर इंटरेक्टिव होना तो जो भी काम है मुंबई अगर काम जाके करेंगे तो मजा आएंगे उनको, काम में ऐसी दिक्कत ही नहीं आएंगी. ओके. तो सर डायरेक्शन भी सूट कर रही है काम भी? हाँ दोनों काम, डायरेक्शन भी सूट कर रही है और काम भी. मेन है डायरेक्शन जो ज्यादा सूट कर रही है. काम तो उनको एक्सपीरियंस है इतने काम का, तो काम तो चेंज नहीं हो रहा ना इनका. नहीं नहीं काम नहीं चेंज. तो काम तो ऑटोमेटिक, काम तो ऑटोमेटिक सूट करेगा लेकिन डायरेक्शन ज्यादा सूट कर रही है. ओके. सर आप अपने कोर्स में जैसे क्या डायरेक्शन, कौन सी कंट्री में जाएगा डायरेक्शन टाइप का, ऐसा भी कवर करेंगे सर? नहीं मैडम, जो 15 पॉइंट बताया गया है ना. हाँ जी वो कवर किए जाते हैं इसमें. हाँ जी. उसको आप, उसको अगर बेस लेके आप सोचे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है. कोर्स में 15 पॉइंट बताया गया लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, तो हम जो बातों में 6 घंटे में बहुत सारे पॉइंट हम बता देते इधर उधर के, 20-25 पॉइंट हो जाते हैं पूरे कवर. उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसका हमको हमेशा कॉल बैक कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. आपको रिप्लाई तुरंत मिलता है, तो एक आधे घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाता है. ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. सचिन गोरगुड़े जी, सॉरी सर. बोले बोले इनके बाद राजीव चौहान जी को एडमिट कर दिया ना गोरगुड़े जी के बाद. जी सर. गोरगुड़े जी पुरुषोत्तम जी है क्या? जी सर बोलिए. गोरगुड़ी जी एडमिट हुए क्या? नहीं हुए सर. ये नहीं, राजीव जी को ले लीजिए. कोई बात, राजीव चौहान जी को ले लीजिए. सर आप ले लीजिए ना, मुझे नहीं मिल रहा इनका नाम. जी राजेश जी, राजेश जी एडमिट कीजिए प्लीज. जी सर. ओम साई राम. ओम साई राम जी, राजेश जी बोलिए. जी मेरी डेट ऑफ 14/11/1967. सर फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी. 14/11/1967. 1967. और अभी जिस जगह पे हूँ अपने घर से 500 किलोमीटर दूर हूँ, अपने होम प्लेस ट्रांसफर भी चाहता हूँ, तो ये सब क्या हो सकता है सर? क्या एक नंबर बोलिए 51 से लेके 77 के बीच में. 53 सर. थोड़ी दिक्कत ही आएंगी, होना थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा दिक्कत का सामना कर सकता है. एक आधा साल तो इम्पॉसिबल है. अच्छा थोड़ा अगले मुझे 2023 में कोशिश करें तो पॉसिबल. अभी फिलहाल एक साल तो मेरे को दिक्कत महसूस दिख रही है उसमें. जी. और ये जो कर्जा और जो नौकरी में प्रॉब्लम है उसका सर? आप कर्जा और क्या दूसरा प्रॉब्लम क्या बोले आपने? नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है. मैं सारा इंडिया में हूँ, सारा इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है. सैलरी भी टाइम से नहीं मिल पा रही है, सब बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं. देखिए नेक्स्ट ईयर में आपकी जॉब चेंज होने की संभावना भी दिखा रहा है मुझे, तो नेक्स्ट ईयर 2022 वो टाइम हो सकता है आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए. नौकरी तो आपको मिल जाएंगी. अच्छा लेकिन नौकरी मिल जाएगी आपको, नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा जो आपकी जो लोन की तकलीफ है उसको टाइम लगेगा रिकवर होने में. हिसाब से 2024 तक का टाइम लगेगा आपको, थोड़ा टाइम है उसके लिए. अच्छा अच्छा ठीक है. लेकिन नौकरी की चिंता, नौकरी आप, नौकरी आपको मिल जाएगी दूसरी. जी ठीक है. ठीक सर, थैंक यू. ओके ओके. रचना जी, रचना जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को. नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते दीदी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ. मेरे हस्बैंड का पूछना था सर, 26 जनवरी 1970. 26 जनवरी 1970 ना, 1970 ना. 1970. 26 जनवरी 1970. हाँ 26 जनवरी 1970. ओके ओके बोलिए क्या पूछना है? इनके जॉब के लिए पूछना है सर. बहुत ही हार्ड लग है आपके हस्बैंड का, बहुत दिक्कत है. मैं हमेशा पूछने को तकलीफ भी चलती होंगी जी. अभी काय में जॉब करना चाहते हैं? एक्चुअली वो बाहर जाना चाहते हैं सर. फॉरेन जाना चाहते हैं जी.
कौन से फील्ड में काम करने के लिए दीदी? सेल्स में, मतलब कपड़ों के उसमें। अच्छा, दीदी 2022 और 2023 के पहले की 6 महीने ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है फॉरेन जाने का। अच्छा। अभी जो टाइम है ना, ये टाइम मेरे को मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2022 और 2023 के पहले के 6 महीने, जून 2023 के बीच में चांसेस आएंगे इनको फॉरेन जाने के। ओके। उसमें कोशिश करो, बोलना अभी 1-2 महीने के बाद अच्छे से मेहनत से कोशिश करो, चांसेस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ संभावना ऐसी कम है कि वहाँ सेटल हो पाए, फिर से वापस भारत आने के चांसेस ज्यादा है। चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से फिर से भारत में ही आ जाए। तो अगर इंडिया में कुछ करते हैं तो क्या कर सकते हैं? इंडिया में करना है तो उनको एक्सपोर्ट का जो काम बोल रहे ना, कपड़े, आप ये अभी कौन सा काम कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है जॉब। उनको बताता हूँ, उनको जो काम है ना, एक तो लोहे का काम करो बोलना इनको, लोहे मशीन का, या तो फिर कोई फैशनेबल डिजाइन जैसे कोई कपड़े का है, ज्वेलरी का है, कोई टूर एंड ट्रेवल का काम ज्यादा सूट करेगा इनको। ओके, समझ गए जी। जी ओके दीदी, थैंक यू सर। भरत कुमार जी, भरत कुमार जी अनम्यूट करिए। यस सर। मैडम हेलो, बताइए। हाँ सर, मेरा डेट, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/4 1986। सोचते कितना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है क्या आपको? हाँ सर, हाँ सर। तो सोच के कुछ मिलता है आपको? आर यू गेनिंग एनीथिंग बाय थिंकिंग टू मच? नो 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 नो, nothing. Then why you thinking a lot? Actually, can your main problem is you are thinking too much and don't able to take action. Your action part is weak, due to which you are suffering. Okay, sir. What is your main issue? Tell me now. Sir, actually my promotion is been delayed, sir. Okay. मैं गवर्नमेंट काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। बहुत दिन से डिले हो रहा है सर, और कर्जा भी बढ़ रहा है ऐसा सभी सर। टेल मी वन नंबर इन बिटवीन 27 एंड 37। ओके सर, 33 सर। 33, यस सर। देन हियर योर गुड न्यूज़ फॉर यू, नेक्स्ट ईयर यू गेट योर प्रमोशन पॉजिटिवली। ओके सर। 2022, इन 2022 योर प्रमोशन इज, यू गॉट योर प्रमोशन, डोंट नो नो टू वरी। ओके सर, ओके। फिर सर वो मींस अभी 10 रुपया है तो खर्चा करना 20 रुपया, ऐसा हो रहा है सर बहुत। अभी जो भी है ना, ये जो टाइम है आपका खत्म होते आ रहा है, आप देखिए अभी जो 10-20 की चिंता छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से 2023 के पहले पहले आपका परमिशन हो जाएगा, आपके जो लोन है पूरे कम तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा कम हो जाएंगे लोन आपके भी, आपका परमिशन के चांसेस बहुत अच्छे है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए दीदी। सर ये सर एक्चुअली मुझे ना प्रिया जी ने अनम्यूट कर दिया था, मैंने इसलिए बोला सर, मैंने भी क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी सर, हाँ जी, 9 अप्रैल 1974 आपकी है? हाँ जी सर। और बताइए कैसा क्या है? सर एक्चुअली एक तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही लाइफ में और कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही सर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, लेकिन बड़ी कोशिश कर रही हूँ, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। सर रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो आप? सर ये न्यूमरोलॉजी का भी सीखा है सर, इसमें भी कोशिश कर रही हूँ, या अगर कोई जॉब की कोशिश करती हूँ वो भी नहीं मिलती, या सर मैं कुछ सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही। नेम नंबर कितने बार देखे कि आपने, फर्स्ट नेम कितने पे आ रहा है आपका? सर मेरा फर्स्ट नेम ये 3030 पर है, और पूरा जो अमरदीप कौर है ये 41 पर है। अभी चेंज किया होगा सर इन्होंने?
डबल ई नहीं सर चेंज नहीं किया, ये मेरा शुरू से यही स्पेलिंग्स है। ओके ओके नंबर बोलिए 37 से लेके 57 के बीच में 57 तक सर 37 से लेके 57 के बीच में कोई भी 48 अगर आपको काम करना है ना कहीं आगे जाना है ना तो आपको को अकल्ट साइंस में आ जाओ या तो कोई टीचिंग का काम करो या तो आप कोई ट्रेनिंग का काम करो या तो कंसल्टेशन का काम करो ये जो चार पांच काम बताए इसी में आपको आगे जाना है इसी में आप अच्छे से काम कर सकते हो सर एक आपने टेलरिंग का काम कुछ बोला नहीं ट्रेनिंग का बोला जो ट्रेनिंग अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है चार पांच काम आपको आगे लेके जा सकते हैं बाकी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी ये काम में अच्छा काम कर सकते हो आप अच्छा तो सर जैसे मेरे हस्बैंड है सर वो थोड़ा सा सर कोई बात नहीं सुनते मींस सर उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है पुलिस से नहीं है बहुत कुछ है अभी क्या मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे हाँ जी सर कोई सपोर्ट नहीं आ रहा थोड़ा नहीं है ना फिजिकल मेंटल इमोशनल जितने भी सपोर्ट रहते हैं ना जो अपन अपने हस्बैंड से चाहते हैं उसमें से आपको 5-10% सपोर्ट मिलता है 90% सपोर्ट नहीं है हाँ जी जैसे जैसे प्रिया मैम है इनको सपोर्ट इनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है हाँ जी सर आपके इसमें एकदम इसका उल्टा है पूरा हाँ जी सर बिल्कुल आप अच्छा भी काम करने जाओगे ना वहाँ भी चार ताने सुनने मिलेंगे आपको सर यही होता है मैं आपको देख रहा हूँ इसके अंदर बोल रहा हूँ मैं तो आपको देखिए इससे तो आगे जाना पड़ेगा ना यार रास्ते खत्म नहीं होते ना आपके पास जो है भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया है आपका अपना कंडक्टर सेवन है आप एजुकेशन स्ट्रक्चर में अच्छा काम कर सकते हो अकाउंट साइंस में अच्छा काम कर सकते हो किसी को अगर कुछ सिखाने बढ़ गए तो अच्छी टीचिंग भी कर सकते हो आप तो जो भी काम आपको पसंद आता है ना वो काम करो तो आपको मजा भी आएंगे और लाइफ में आगे भी जाओगे आप सर सर ये मतलब कर सर जैसे स्टार्ट किया हुआ है लेकिन सर जैसे अगर कोई कस्टमर भी नहीं आता तो सर कस्टमर नहीं आता कस्टमर ग्रोथ कब होती मालूम है जब अपन किसी को देते हैं कभी कस्टमर नहीं आएगा मेरे पास जब मैंने शुरुआत में 10 से 4-5 पहले चालू किया था मुझे 6-7 महीने मेरे को वेट करना पड़ता था क्लाइंट मेरे पास नहीं आते थे लेकिन जैसे जैसे अपन अपने काम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं वैसे धीरे धीरे कस्टमर आएंगे ना एक एक करके तो कस्टमर कहाँ जाने वाले हैं ठीक है सर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना उन सब उन लोगों को हाँ जी सर ठीक है सर आपकी चमक बिखरो सब कुछ आ जाएंगे आपका है बहुत अच्छा चार्ट है आपका ऑकर्ट साइंस के लिए ठीक है सर ओके दीदी ठीक है थैंक यू सर सर रिचा जी काफी देर से मैसेज कर मैं सर कह रहा था ये मैडम जो थी उनको कहना चाह रहा था कि आपको सर के बारे में पता ही नहीं होगा सर तो क्या तारीफ करने नहीं देते ना नहीं तो मैं आपको बताऊं ना सर ने कम से कम 2,000 से 3,000 लोगों को फ्री कंसल्टेशन दी है कभी पैसे के लिए कभी कुछ बोला भी नहीं लेकिन अब क्या ये धीरे धीरे लोग कहते हैं नहीं हम देंगे एनर्जी एक्सचेंज हम देंगे इसीलिए हमने ये सेटअप केवल खर्चे के लिए निकाला बाकी ये जो सर सिखाते हैं ना ये आप 1,00,000 रुपए देके भी बाजार में नहीं सीख सकते ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इन्होंने 2,000, 3,000, 5,000 बच्चों को सिखाया है ना ये प्रैक्टिकल है सर आप बताइए प्रैक्टिकल थ्योरी सब लोग बाजार में थ्योरी पढ़ाते हैं आप कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का है हमारा सारा कोर्स जो जिसको पढ़ा उनको मालूम है ना पुरुषोत्तम जी क्या बताने का बोलिए सर जो आप पॉइंट्स बता रहे हो ना वो वाकई वैसे हैं जैसे जो एक चीज है कि प्रेडिक्शन के लिए बहुत जरूरी है वो मैंने वाकई नहीं मींस कहीं पर देखे और सर एक चीज है कि जैसे कहते हैं ना कि जब आप कंसल्टेशन देते हो तो एनर्जी एक्सचेंज बड़ा जरूरी है सर ये थोड़ा सा डाउट होता है कि अब अगर जैसे आप भी तो फ्री दे चुके हो तो सर फिर मैंने बोला ये तो पुरुषोत्तम जी 3,000 बोल रहे मैं तो आज तक मैंने 8-10 हजार को दिया और किसी से 1 रुपये नहीं लिया तो भी मेरा काम नाम सम्मान सब कुछ अच्छा है ना आप लोगों के सैंपल में जिंदा बैठा हूँ पर नाम है मेरा आएगी नहीं ठीक है सर तो पैसे लेने की जब जो आदमी दिल से अगर 1 रुपये भी देना वो भी बहुत मायने रखता है जब आप अच्छे क्लाइंट को बताओगे ना तो वो उसका जो जो भगवान आपको देगा ना वो बहुत अच्छी चीज देता है हमेशा जी सर जी आपको अब लगता है किसी ने आपको बताया तो आप उसे 1 रुपये ले लीजिए ना क्या तकलीफ है हाँ जी ठीक है कि नहीं हाँ जी सर ठीक है दी थैंक यू जी प्रिया जी नेक्स्ट कौन सर ये डिंपल खेमचंदानी जी काफी टाइम से कर रही हैं कोई बात प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डिंपल जी अनम्यूट योरसेल्फ यस सर गुड इवनिंग सर बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए सर मैं मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है बताइए सर उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 December 1980 अभी भी इशू है क्या हाँ जी सर
मैरिज में इसमें कुछ नहीं सर, बिजनेस फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। इनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए। वाइफ का 25 जून है सर डेट ऑफ बर्थ। ईयर मुझे जान 79 होगा, 81 होगा शायद उसका। आपके जो भाई साहब का जो ये है ना, पिछले 2-3 साल से बहुत बेकार कंडीशन चालू है। पिछले 2-3 साल से इनके जो स्टार है बहुत नेगेटिव इसमें काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। 2019 का हाफ ईयर, 2020, 2021, ये तीनों साल इनके बहुत माइनस थे, लेकिन हाँ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्च 2022 के बाद इनका बेस्ट पे चालू हो रहा है अभी, मार्च 2022 के बाद। हाँ जी। वो टाइम पे इनके जो भी लोन है, जो भी क्रेडिट है, जो भी ऐसा जो हेडेक, जितना भी इनका हेडेक है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा मार्च के बाद से। ओके सर। सर कुछ लीगल एक्शन वगैरह का है क्या, रिस्क वगैरह कुछ ऐसा? 100% है फिलहाल तो। 100% है? हाँ, मार्च तक जो तकलीफ है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पुलिस केस, लिटिगेशन, मारा पीटी, ऐसा कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं। पिछले जो टाइम चालू उसी का टाइम चालू है। अच्छा, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगा क्या लीगल एक्शन में सर? अगर ऐसे फॉर्मेलिटीज चल रही है कुछ ऐसा, लेकिन कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है क्या? यदि प्रॉब्लम ही पड़ेगी, मास्टर का टाइम है ना, इसमें आपको अगर जरा से भी आप तकलीफ करोगे ना, वो ज्यादा तकलीफ देंगे आपको, तो सबसे कॉम्प्रोमाइज करके चलो, ज्यादा अच्छा है मार्च तक। अच्छा, ये आपका थोड़ा दबके रहने का टाइम है, जो टाइम है आपके भाई साहब को, थोड़ा दबके रहने का टाइम है। मार्च के बाद शेर बनेगा तकलीफ नहीं, मार्च के बदले चूहा बन के रहे बोलना उसको। अच्छा, आगे हाँ, आगे मार्च के बाद वो शेर बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा रहेगा फिर। बाकी अच्छा है, ग्रोथ उसके अच्छे मार्च के बाद में। पिछले 2-3 साल बहुत बेकार है, लिटिगेशन, पुलिस केस, कोई फ्रॉड और आउट कुछ भी हो सकता है भाई साहब के साथ आपके पिछले 2-3 सालों में। हाँ जी सर, बहुत कुछ हो चुका है एक्चुअली, अभी मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो चुका है, अभी एंड है कि क्या है पता नहीं, लेकिन बता रहा मैं आपको, मार्च तक तो ये सब हेडेक ही चाहे। इनकी जो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इशू पैदा होंगे, आपको पता है कि नहीं? पता नहीं मालूम, मैरिड लाइफ इतनी अच्छे से नहीं चल रही होंगी इनकी। नहीं नहीं, वो इफेक्ट हो रहा है एक्चुअली सब जगह, हर रिलेशन में इफेक्ट हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे, हर जो रिश्ते है ना। तो मार्च तक तो बहुत ही नेगेटिव टाइम, चलो मार्च के बाद इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन मार्च तक तो बहुत ही बच के रहो ना इनको पुलिस के सोच से। सर कुछ उपाय होगा जैसे आप, अगर हम लेते हैं मतलब जो भी आपसे कंसल्टेशन वगैरह, तो वो पॉसिबल है? नहीं, कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, कुछ मत करो, मार्च तक का जो टाइम है ना उसमें बच के रहो, इनको थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो बोलना, और किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं, जो आपको यहाँ बताए वो मैं आपको कंसल्टेशन में बताऊंगा, इतना आपके भाई साहब को बता दो बस। ओके सर, ये रिचा जी कब से ट्राई कर रही है, लेकिन मुझे उनका नाम दिख नहीं रहा है, अगर पुरुषोत्तम सर आपको दिख रहा होगा। जी, एक मिनट में मिल जाएगा रिचा जी। सर जी 2 मिनट होल्ड कीजिए, आपको लेते हैं फिर से। मैम रिचा जी तो है ही नहीं कोई। अच्छा सर, वो पहले मैसेज कर रहे थे। हाँ मैसेज कर रहे होंगे, तो सर ये मुक्ता जी को ले लेते हैं सर। जी मुक्ता जी, आप अनम्यूट करिए, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, सर, सर मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। 6 जुलाई 1987। क्या पूछना है दीदी? उसका काम वाम कुछ नहीं चल रहा है, उसके पापा के साथ भी नहीं बनती है, काम में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं सर। 1987। काम टालने की भी आदत है कुछ उसको थोड़ा। तो काय का काम कर रहा है वो बताइए पहले। कंस्ट्रक्शन में है सर, अपने पापा के साथ। लेकिन फ्लैट स्कीम की गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन क्या? नहीं नहीं, अपना पर्सनल। अच्छा पर्सनल। जी जी। दीदी ये जो काम है ना, इसको मन से नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है लड़का आपका काम ये वाला। फिर क्या करवाएं? ये करने क्या जाता है, ये जो जबरदस्ती काम करोगे तो नहीं करेगा, मजा नहीं आ रहा इसको काम करने में। क्या करना चाहता लड़का आपका? चाह तो कुछ बता ही नहीं सकते, उसके पापा के आगे बोल ही नहीं सकते कुछ भी। ऐसे इसमें क्या कर सकते थे कोई? ये लड़का अगर इसको जब भी प्रेशर से कोई काम करेगा ना, कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपके बच्चे में। इसको जो काम करना चाहिए, इसको जो काम है अलग टाइप, इसको जो पसंद आते वाले काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है आपका लड़का। सर इसके लेकिन कंस्ट्रक्शन के भी नंबर है, 2, 5, 8 तो बैठ रहा है इसका। 5-8 बैठने से क्या होता है, इसका ड्राइवर कंडक्टर देगी ना, 6-2 आ रहा है। हाँ सर, हाँ। तो सूट नहीं करता, 2-5-8 बैठने जरूरी नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन में जाके बिल्डर बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, हाँ, हाँ।
मतलब किस अगर सोचें तो क्या करवाएं आगे काम क्या सिक्स का काम कराओ, सिक्स काम में बहुत मजा आएगा इसको। जैसे वीनस के काम कराइए, आपको तो वीनस के काम मालूम है ना कौन कौन से रहते, ज्वेलरी इंडस्ट्री, फैशनेबल इंडस्ट्री, ऐसे जो भी काम है, टूर एंड ट्रैवल का काम कीजिए, वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जय जय सर। तो ये धनराज जी को ले लें, धनराज कान से। हाँ दीजिए ना, कोई तकलीफ नहीं। धनराज जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए दीदी बोलिए। मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/8। मैडम पीछे वॉइस आ रही है आपके बहुत। 1974। हाँ। तो तुम्हें क्या बोले आपने? पापा के बिजनेस के बारे में पूछना है। क्या बोले? नहीं सर, मैं बोल रहा था मैडम के पीछे आवाज वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। चार अगस्त 1974 ये बोले ना आपने? हाँ हाँ यही बोला। क्या पूछना है बोलिए। उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मतलब एक 4-5 साल हो गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। काय को बिजनेस कर रहा है? बेकरी के रॉ मटेरियल का। अभी इनसे बात हुई थी ना मेरी? हाँ अभी इनने मुझे कॉल किए थे क्या आज इनने? नहीं 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 सर, वो विशाल विशाल जी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जिन्होंने बेकरी का बोला आपको। ओके ओके ओके। चार छः दीदी, एक दो साल और तकलीफ है आपके जो पापा है ना, एक दो साल का बिजनेस और अच्छा नहीं चलेगा। जो 2022 और 23 तक थोड़ी तकलीफ है आपके पापा जी को, तो थोड़ा मतलब, वेट करने बताइए। मतलब जब हम रेंट से रहते थे ना मकान में, तब तक ठीक चल रहा था, जब से हमने खुद का मकान बनाया और खुद के मकान में शिफ्ट हुए तब से प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में। 2018 में शिफ्ट हुए थे क्या आप? हेलो, 2018-19 में कोई शिफ्ट हुए थे क्या आप लोग? हाँ हाँ, वो दिखा रहा है। प्लॉट नंबर कितना है आपका? 7150। प्लॉट नंबर कितना बोले आपने? प्लॉट नंबर 7150। कितना लंबा प्लॉट नंबर? हाँ 7150। हाँ एक मिनट रुकिए मैडम, कहाँ रहते हो? 7150 कोल्हापुर। कोल्हापुर दीदी, वो जो प्लॉट नंबर है ना, वो भी नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है आपको, जो 4 नंबर पे आ रहा है। 7150 4 पे आएगा ना पुरुषोत्तम जी? जी 4 पे आ रहा है सर, 13 पे आ रहा है। एक काम को, जो ये प्लॉट नंबर है ना, आपने कहीं लिख के रखे हो क्या घर में? हाँ लिख के रखा होगा। देख मतलब हाँ बोले, उसको मिटा दो। मिटा दो क्या उसको? उसके ऊपर कोई पेपर लगा दो कुछ भी, और अपने जो घर का एक नाम दे दो, थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। घर का नाम तो मतलब मातोश्री करके दिया है। तो सिर्फ मातोश्री रहने दो, जो प्लॉट नंबर लिखे ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलेगा। और कुछ करना पड़ेगा? सही करो, फायदा मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, फायदा मतलब 2-4-5 महीने में मिलेगा, आज के आज नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा पक्का मिलेगा उसका। हाँ ठीक है चलो, थैंक यू सर। ये ऋचा जी कोई और फोन से या कॉन्टेक्ट से कर रही है क्या? बार बार मैसेज कर रही है। स्पेलिंग बोली ये ऋचा जी, तो हैंड रेस नहीं है क्या इनका? RICHA है सर, बार बार वो मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ऋचा जी अनम्यूट कीजिए, मिल गई मेरे को, हैंड रेस नहीं था ना इसीलिए मैं ढूंढ रहा था। ऋचा जी अनम्यूट हो गए। हेलो, ऋचा जी बोलिए। जी सर, मुझे अपने बारे में जानना था। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 8 अप्रैल 1985। जी सर, अभी 1 साल से मैं सेपरेटेड हूँ, तो मैरिज का क्या होगा आगे, डिवोर्स या फिर रिकंसिलेशन? और मैं बार बार आप सब लोगों को बताते रहता हूँ, जब भी 7276 मिसिंग रहेगा तो इशू क्रिएट होते हैं। आपकी दीदी फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से एक बार। 8 अप्रैल 1985। आपको न्यूमरोलॉजी आती है दीदी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे आपके मैं जो न्यूमरोलॉजी आती उनके लिए मैं बता रहा हूँ दीदी, आप 2 मिनट थोड़ा साल रहना। देखिए इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इनपे 276 पूरा मिसिंग है। जब भी 276 मिसिंग आएगा तो मैं आपको बार बार लोगों को बताता हूँ कि कहीं ना कहीं मैरिज में इशू पैदा करता है ये। तो ऐसे बहुत सारे केस वेबिनार में अपने आते हैं, आज भी ये जो केस आपको देख सकते हैं कि 276 पूरा रो मिसिंग है।
जिसकी वजह से इनके लाइफ में मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट हो गए। हाँ दीदी, अभी आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, लास्ट ईयर से मैं सेपरेटेड हूँ और एट ईयर से मैरिज, मतलब एट ईयर से ज्यादा हो गई अब तो कोई चाइल्ड भी नहीं है और ये मैरिज के आगे में क्या होगा? और आपका डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स हुआ कि नहीं? नहीं, सेपरेटेड हूँ, डिवोर्स नहीं हुआ अभी। दीदी एक काम करना, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 अक्टूबर 1983। एक मिनट बता रहा हूँ मैं जी। सर प्रिया जी आपके साथ हैं, मैं 5 मिनट में आया। तो मुश्किल ही दिख रहा मुझे, जो आपको जो लग रहा है ना कॉम्प्रोमाइज का जो चांसेस है ना, तो मुझे इतना ब्राइट चांसेस नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ हेडेक मुझे आगे तक दिख रही है। जो रिलेशनशिप है ना आपका जी, इसमें इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, आगे भी महसूस करोगे आप जैसे अपना जैसे सोचते ना मैरिड लाइफ अच्छी है ना, वैसा मुझे कुछ बहुत सारी चीज की कमियां दिख रही है। अच्छा सर, ये अभी तक बेबी भी नहीं है तो उसका कोई फ्यूचर में कुछ? बेबी रहने का कोई मेजर इशू नहीं आएंगे दीदी, क्योंकि आप जब भी आपकी जो 2-7-6 मिसिंग है ना, उसकी वजह से क्या होता है, दो चीज होती है, आपको नहीं समझ रहा, बाकी न्यूरोलॉजिस्ट को समझ रहा होगा, 2-7-6 मैरिड में इशू पैदा करता है तो बच्चे में, बच्चे को डिले कराता है, तो इसकी वजह से आपको ये हेडेक हो रहा है। लेकिन आपके जो बाकी उसके अलावा जो आपके जो दोनों के हस्बैंड वाइफ के जो चार्ट है एक दूसरे पूरे अगेंस्ट है, आपका नेचर, आपके विचार, आपके जो भी है सब कुछ उनसे एकदम अगेंस्ट मैच होंगे। आप अगर कोशिश भी करोगे ना तो भी ज्यादा मेल मिलाप जमेगा नहीं आप लोगों का, 2 दिन अच्छे जाएंगे तो 6 दिन बेकार जाएंगे फिर आपके। जी सर, एक्चुअली ये लव मैरिज ही है, पर ये शादी के बाद जितना मतलब 2013 में मेरी मैरिज हुई है और 17 एंड से मुझे सारे इश्यूज स्टार्ट हो गया मैरिज। बोलते हैं दीदी प्यार अंधा होता है, वैसा किस्सा और कुछ नहीं है। जी 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 सर, एक रिसेंट एक और क्वेश्चन पूछना, मैं रिसेंटली मैं MBA की हुई हूँ तो मेरा रिसेंट अभी जॉब लगा था और मतलब मेडिकल फील्ड में एज पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि मुझे खुद जॉब छोड़ना पड़ा, तो अभी रिसेंट मुझे जॉब का कुछ चांसेस है? गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब दी थी? नहीं प्राइवेट, प्राइवेट सर, मतलब करियर मुझे चाहिए, अभी कहीं करियर कुछ नहीं है, मतलब बैंक बैलेंस वगैरह सारा जीरो है, करियर मुझे स्टार्ट करना है, तो कुछ चांसेस है करियर में? बता रहा हूं मैं आपको, एक नंबर बोलिए 51 से लेके 66 के बीच में। 55 चांसेस तो है दीदी, मेरे हिसाब से 5-6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैरिज का कुछ रिजॉल्व करने का कुछ ये नहीं, नहीं वो रिजॉल्व होंगे, देखो मैरिज सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को क्या वो रिजॉल्व करूंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ने उसमें हेडेक बना है, आप रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो जल्दी रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है उसमें। मुंबई से हूँ, मेरा नाम विजय पवार है, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/3/78। क्या बोल, फिर से बोलिए आराम से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1978। हाँ, मैंने एक्चुअली प्रॉपर्टी में 2 जगह पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन दोनों जगह अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक 2009 में किया था और एक 2013 में किया था, दोनों प्रॉपर्टी अभी भी वैसे के वैसे ही है, आगे कुछ बड़ी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो प्रोजेक्ट वहीं पे रुक गया है, तो क्या मैं उसमें से पैसा निकाल दूँ या उसके लिए स्टे करूँ, कुछ लग रहा है क्या? पार्टनरशिप में खुद का है? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली मैंने बुकिंग किया था, रूम के लिए बुकिंग किया था। ओके, आपके नाम से बुकिंग है? हाँ मेरे नाम से बुकिंग है। ओके, मेरे साथ तो सर जी आप पैसा निकाल लो इसमें से, जितना जल्दी पैसा निकालो उतना अच्छा है, दोनों प्रोजेक्ट में से। हाँ दोनों प्रोजेक्ट से पैसा निकालो, कहीं दूसरी का इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है, और जो पैसे निकालने का टाइम अभी अच्छा टाइम चालू है, जून जुलाई के पहले पैसा कोशिश करोगे निकल भी जाएगा। अच्छा अच्छा, दोनों जगह पैसे करोगे तो जल्दी पैसा निकल जाएगा आपका, ये टाइम पैसे के लिए अच्छा चालू है आपका।
पैसे निकालने के लिए। अच्छा जून जुलाई यानी 2022 तक ऐसा। तुम टू के पहले निकाल लो पेमेंट, उसके बाद दिक्कत होंगी आपको फिर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाणी महाजन जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। वाणी महाजन साईराम दीदी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23rd February 1980। आपका है ना बेटा ये 23rd February 1980। हाँ जी 23rd February 1980। और मुझे करियर और फाइनेंसेस के बारे में जानना था आपने। उसके फील्ड में काम करना चाहते हो? हाँ जी उसके फील्ड में काम करना चाहते हो आप? बिल्कुल। बहुत अच्छा चार्ट है दीदी, ऑक्सफोर्ड साइंस का आपको चार्ट मेरे से भी ज्यादा अच्छा है आपका। अच्छा अच्छा थैंक यू। मेरे से भी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि आपके पास 3A 7A 2A है, ये तीन ही नंबर लगते हैं। जब 22 बहुत काम करता है, 37 बहुत अच्छा काम करता है। ओके ओके। अभी से आपको सोचना नहीं करना है, जैसे हमारी जो प्रिया जी आज की जो पोस्ट है उन्होंने जैसे करना जिसके सोचे उन्हें कर दिए। आप किसी के आप सोचते बहुत ज्यादा हो, सब वो एक प्रॉब्लम है। ये तो है। सोचना बंद कर दो और सीधा एकदम भालक तीर लगा के फायर कर दो बस। और सर इससे फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे क्या मेरे, जैसे मतलब अगर दीदी अपन समापक कोई नेता तो नहीं समाज सेवा करेंगे, फाइनेंस पक्का मिलेगा ना अपने को। सिर्फ मेहनत पहले 5-6 महीने मेहनत करो, फाइनेंस आपको घर बैठे लोग देखे जाएंगे। अपन समाज सेवा करने की तो नहीं अपन तपस्या करके सीख रहे हैं। ये तो है सर। मैंने एक्चुअली बेसिक तो किया भी है न्यूमरोलॉजी का, तो मैंने ये पूछी थी कि जैसे मैं ये कोर्स करती हूँ उसके बाद भी मुझे कोई और बेसिक भी, जब मैंने किया था तब ये था कि इसके बाद प्रेडिक्शन हो जाएगी, लेकिन बेसिक के बाद तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाए। वाली जी आप सर का कोर्स करिए, आप आराम से प्रेडिक्शन करना चालू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ सर। मैं सॉरी सर बीच में बोल दी, लेकिन मैं उनको शेयर करना चाहती थी कि एक बार सर आप कुछ बोलने बताना था, स्पॉन्सर प्रिया जी देंगे ये बोलने वाला था मैं। ठीक है सर। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, तो मतलब साइमल्टेनियसली वो भी ठीक है ना, मेरी ऐसे मेरे चार्ट के साथ सूट होती है। बहुत अच्छा चार्ट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा चार्ट है, पैसे के लिए अच्छा चार्ट है आपका। ये आप पार्ट टाइम भी काम करोगे तो आपका अच्छा नाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और थोड़ा ज्यादा लोगों पे भरोसा करना बंद कर दो, खुद के दिमाग से काम करो क्या। ठीक है सर, यहाँ मैं मात खा जाती हूँ सर, बहुत भरोसा कर लेते हैं। पूरा पूरा मात खाते हो, उसमें बच के रहो। हाँ, बस ठीक। हाँ बिल्कुल सही बोला ये तो आपने। ओके दीदी, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर अमित देसाई को ले लें सर। हाँ आपकी जो इच्छा। अमित देसाई जी, अमित देसाई जी सर ये नहीं कर रहे हैं। अनु गुप्ता जी को लीजिए। अनु गुप्ता, हाँ जी अनु गुप्ता जी अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ सर। नमस्कार जी, ये बोलिए सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1970। कितना बोले आपने? 3/11/1977। 3/11/1977। हाँ जी सर। सवाल क्या आपका? सर फाइनेंस से रिलेटेड और मेरे को जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। मेरा क्या एक्चुअली जो है बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है मेरा, कपड़े का, लेडीज साड़ी का। कब से प्रॉब्लम चालू है सर? ये प्रॉब्लम अराउंड मेरे को 1.5-2 साल से है। क्या नाम क्या आपके साड़ी की दुकान का? गुप्ता क्लॉथ भंडार। जो काम कर रहे हो ना वो भी, हाँ जी जो काम साड़ी का काम कर रहे हो इसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी यार, कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामने करना पड़ेगा आपको। पैसा तो आएगा लेकिन वहां से आपको जो स्टेबिलिटी वैसा नहीं आ रहा होगा आज की तारीख में। नहीं वैसा तो आ ही नहीं रहा सर बिल्कुल भी। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वाइफ का कोई बच्चा जो बड़ा हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1982। बच्चा कोई बड़ा है क्या आपको? बच्चा है। कितने साल का है? 12 साल का। अच्छा अच्छा एक मिनट चालू रखिए। इसमें
इसमें अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है ना आपको, तो इसमें अगर अपनी वाइफ को अगर थोड़ा पार्टनरशिप में कर ले लूंगा ज्यादा फायदा मिलेगा आपको गुप्ता जी। अच्छा सर, पार्टनरशिप तो ऑलरेडी मेरी मेरे ब्रदर के कजन ब्रदर के साथ है। ब्रदर के साथ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है फिर? कभी कभी क्या जो पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ इफेक्ट करती है। 15 जून 1983 आपका जो ब्रदर है उसकी है ना? हाँ जी, 15 जून 1983। ये मुझे पूरा वर्किंग पार्टनर है, किसी पैसा लगाने वाला पार्टनर है? नहीं नहीं, वर्किंग पार्टनर है पूरा। ओके, फुल पार्टनर है। पार्टनर तो अच्छा है अंकल ये आपका, ये जो पार्टनर है ना, अगर ये पार्टनर बहुत पहले से पार्टनरशिप है क्या आपकी? हाँ जी, ये मेरी एक्चुअली फादर और अंकल की पार्टनरशिप है, अराउंड 40 ईयर ओल्ड है। ये जो आपके जो भाई साहब है ना, इनके लिए ये बिजनेस बहुत सूट करता है, इसके लिए बिजनेस चल रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखा जाए ना, उसमें ये बिजनेस आपको सूट भी नहीं करता है, लेकिन आपके जो भाई साहब की जो पार्टनरशिप है ना, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोविड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन अगले साल से फिर से आपके 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 अच्छी ईयर समय चालू हो रहा है, टाइम पे ग्रिप मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो सर मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा अगर मैं थोड़ा स्विच ओवर करना चाहूँ? हाँ, तो आपको स्विच ओवर करना है तो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना आपके भाई साहब के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बहुत लग काम करता है उनका। आपको कौन सा सोचो बिजनेस कौन सा करना की सोच रहे हो अभी आप? कोई दिमाग में कुछ है? सर दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, तो आप बताएंगे। देखो भैया, इसमें आपको जो दो तीन काम बहुत अच्छे सूट करेंगे, एक तो जैसे कोई किसी को कुछ सिखाने लगे, जिम लगा सकते हो, कोई किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो, किसी को कंसल्टेशन दे सकते हो, या किसी को कोई जो टीचिंग एजुकेशन सेक्टर है ना उसमें कोई काम करोगे वो भी आपके लिए अच्छा है। अच्छा, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं दिमाग दिखेगा आपको, तो वो काम आपको ज्यादा सूट करेगा। ये काम आपके भाई की वजह से चल रहा है, जो आपका काम है ना, ये आपका भाई साहब के नंबर अच्छे है, उसकी वजह से आप इसमें कमा सक रहे हो अभी तक। अच्छा, क्योंकि जो 6 आ रहा है उनका 6 अच्छा, आपके पास 3-2 कॉम्बिनेशन है, उनका 6 बहुत काम कर रहा है उनका। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। वाणी महाजन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। वाणी महाजन का हो गया था ना अभी? हो गया सर उनका, सर उन्होंने हाथ नीचे नहीं लिया, फिर हैंड डाउन नहीं किया अभी तक, भूल गए होंगे वो। हाँ जी सर, तो और फिर अभी अभी कर देती हूँ 2 मिनट, सॉरी। हाँ जी, तो ये जय सिंह जी को ले लें, इनका अभी तक नहीं हुआ है। हाँ जी, ले लीजिए जय सिंह जी। जय सिंह जी। हाँ सर जी, बोलिए जय सिंह जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। कुछ नहीं, मेरे बेटे के जरा पूछने का था, बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका 4/8/2004 का है। 4/8/2004। हाँ, 4 अगस्त 2004 ना। हाँ हाँ, क्या पूछना है बोलिए। उसके कॉलेज के बारे में पूछने का था। कॉलेज के बारे में यानी क्या? तो कॉलेज का करियर कैसा हो जाएगा, सीखेगा या नहीं सीखेगा? अंकल मीडियम कैरियर, इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा बच्चे का दिमाग को शांत रखो, बहुत तेज होगा ये बच्चा। अच्छा, इसको दिमाग को ठंडा रखते जाओ ना। हाँ, ऐसे पढ़ाई, ये प्रॉपर्टी सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है अंकल आगे चल के। प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या? हाँ, प्रॉपर्टी सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है। सिर्फ इसका आगे चल के हो सकता है, अभी आप गुस्सा करता है कि नहीं करता है? अभी गुस्सा थोड़ा करता है। हाँ, तो गुस्से को कंट्रोल करना सिखाओ, जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी ना, गुस्सा इसके हाथ से निकलते जाएगा, इसको गुस्से कंट्रोल करना सिखा दीजिए अभी से, ज्यादा अच्छा है। और मेडिटेशन करने बताइए बच्चे को। और उसका बाद में शादी की लाइफ कैसे रहेगी उसकी? अंकल बच्चा छोटा है, कहाँ से शादी की चिंता कर रहे हैं, मैं तो हर महीने में 2 बार आ जाता हूँ, बाद में पूछ लेना। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। वैष्णवी रावत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1999। 20 जुलाई 1999। नहीं नहीं, अगस्त 20 अगस्त 1999। 20 अगस्त 1999 ना जी, जी। ओके, ये बच्चे की किसकी है? बच्चे की है सर, मेल। लड़की की है ना? हाँ मेल की है सर, मेल की। अच्छा, जॉब के बारे में बताएं सर। जॉब नहीं कर रहा क्या अभी?
नहीं कर रहा सर। क्यों नहीं कर रहा? पढ़ रहा है सर अभी तो। जॉब करने की चांसेस के तो कभी 2022 से बहुत अच्छी चांसेस को जॉब तो उसको मिल जाएंगे अगले साल, लेकिन आपका बच्चा जॉब जल्दी चेंज करने के चांसेस है इसकी इसमें। अच्छा अच्छा, हो सकता है कि इसकी जॉब में मन नहीं लगे या फोकस है। आपका बच्चे की तकलीफ क्या है, बच्चा आपका दिमाग अच्छा है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता आपका बच्चा। हाँ, जी। उसकी फोकस की जो कमी है उसको एक सबसे मेजर कमी है उसके पास में। जॉब तो उसको मिल जाएंगे, वो हेडेक नहीं है, लेकिन वो जहाँ जॉब मिलेगी वहां परमानेंट नहीं है। मुझे कोई एक दो साल का तो काम से बोर हो जाएगा, फिर नया जॉब करेगा या तो कोई बिजनेस भी करेगा, तो एक दो साल में उसका दिमाग वहां से बोर होगा, दूसरा कुछ सोचेगा। उसको आप बताइए अपने बच्चे को कि भाई जी जो भी करना अच्छे से कर, मन लगा के एक ही काम अच्छे से कर, ऐसा बताना उनको आप। जी जी। अभी कौन से क्या कर रहा है आपका बच्चा? अभी ये बीए कर रहा है सर। बीए कर रहा है ना? हाँ, ग्रेजुएशन। ये कौन से ईयर में? अभी फाइनल ईयर हुआ ही नहीं इसका अभी तक। नहीं, फाइनल में है इस बार, इस साल। तो उम्र तो होगी ना कल 22 साल का, रहा क्या बीए फाइनल नहीं हुआ अभी तक? बीए फाइनल कर रहा है ना, बीच में और वो किया था आईआईटी टेक्निकल का, दो साल का। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये दो काम कोई भी काम अगर मन लगा करेगा अच्छा करेगा, नहीं तो अगर इसका मन साल दो साल फिर से भटक के और कहीं चला जाता है। जब से वो ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि फोकस की कमी है बच्चे में आपके, अगर फोकस होकर कोई भी काम करेगा ना तो कोई भी काम अच्छे से कर सकता है वो। तो सर इससे गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या प्राइवेट में? नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब की चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। प्राइवेट जॉब में देखिए, मन लगा के काम करेंगे तो कर लेंगे अच्छे से। जी जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोनाली जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, सर मैंने एनरोल किया है पर मैंने वेबिनार में मैं बोला एक बार मिल लूं। मैं सोनल रूपारेल हूं। हां, पहचानता हूं, पहचानता हूं, बोलिए। काफी काफी टाइम क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी? आपका ये वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज क्लियर आ जाएंगी। अच्छा, ओके सर। मेरी बर्थडे है 20 मेरी बर्थडे है 20 जनवरी 1972। हाउसवाइफ हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अभी अपने। हाँ। थोड़ा आगे निकलना चाहती हूँ, बच्चे बड़े हो गए तो अभी मैं कुछ करूँ। करने का टाइम तो अभी आपका चालू हुआ है 40 साल के बाद, क्योंकि 40 साल 45 साल तक आपके लाइफ में ऐसा था कि बच्चों को देखते देखते आपको पूरा टाइम चला जाता होगा, आपने सोचे भी नहीं होंगे। पिछले 2-3 साल से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ करने का आइडिया आ रहा होगा। बट हाँ, बट ये लाइन सब क्लियर नहीं था। अभी मैं थोड़े वीडियोस देखे, ये सब देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि आई वांट टू गो इनटू दिस फील्ड। इज इट ऑल ये मेरे लिए सही है क्या? एकदम सही है दीदी, क्योंकि जो इसके लिए 3 नंबर लगते हैं, 3, 2, 7 नंबर लगते हैं। आपके पास 222 भी है और 7 भी है। ओके सर। तो ये 3 नंबर में से ना 60-70% आपके पास लक आपको सपोर्ट करेगा ये वाले काम में। ओके सर, ओके। आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं उसमें। अब सर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो प्रॉब्लम इज मैं डिसीजन फास्ट नहीं ले सकती। हाँ, तो अभी आप आ रहे हो हमारे, अभी आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, जिससे आपके कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाएगा और आप डिसीजन भी आपको तेजी से ले पाओगे। ओके सर। कल है ना, कल से शुरू हो रहा है ना क्लास? कल रात से चालू है, 8 से 10 बजे तक। ओके सर, चलो, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे देखने का मन था, मैंने ज्वाइन किया वेबिनार, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Welcome to the class, ma'am. Welcome to the class. Thank you very much. तो आके दो तीन लोगों को लीजिए। प्रिया जी, आपको लेट होगा तो आप जा सकते हो, आपको अगर लेट हो रहा होगा तो। कोई नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, भले पुरुषोत्तम सर ले लीजिए आप। नहीं, लीजिए मैडम, मेरे यहाँ वैसे भी लाइट चलेगी, मेरा सिस्टम में हूँ नहीं, मेरा नेटवर्क बहुत लो आ रहा है, आप ले सर। ये अमित टंडन जी को ले लेते हैं, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, अभी आखिरी 2-3 लोग को लेना है, तो 3 लोग कोई भी आप फाइनल कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। अभी एक तो अमित टंडन जी सर को ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, बोलिए टंडन जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बोलिए सर। अमित टंडन नाम है मेरा, डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1976।
1976 ना भाई? हाँ जी सर। अच्छा पूछो, क्या पूछना है आपको? सर एक तो मेरी पेमेंट फंसी हुई है काफी टाइम से, और दूसरा एक प्रमोशन के लिए पूछना था सर, काफी टाइम से अटकी पड़ी है, हो नहीं रही है। प्रमोशन कौन से, गवर्नमेंट सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर? नहीं सर, में प्राइवेट जॉब में सर पिछले 4 साल से अटकी पड़ी है सर, ना प्रमोशन हो रही है ना इंक्रीमेंट मिल रहा सर। जॉब जो कर रहे, कितनी जॉब है आपकी? पहली जॉब की दो तीन जॉब चेंज कर चुके अभी तक आप? सर छठी होगी। कितनी होंगी? छठी सिक्स। अच्छा, क्योंकि क्या नाम है आपका? टंडन जी? अमित टंडन। हाँ अमित जी, कैसा है आपकी जो आपकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम क्या मालूम है कि आप कहीं भी एक जगह चिपक के काम नहीं कर पा रहे हो। जब से कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, अपने यहाँ जॉब शिफ्ट कर लेते हो, फिर वहां जाते हो वहां से और कुछ शिफ्ट कर लेते हो, ऐसा चालू है ना आपके साथ में? सर बस किसी की फालतू सुनने की आदत नहीं है। वो बात भी सही है आपकी, लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है कि अभी आप ऐसी कोशिश कीजिए कि कहीं भी एक जगह चीज चिपक रही तो आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरी जो बात आपकी, जो प्रमोशन की जो बात आप कर रहे हो ना, उसका मैं टाइम बताया था आपको, 15, 5, 20 इस साल तो मुश्किल है, लेकिन मार्च 2022 के बाद चांसेस बनेंगे प्रमोशन के आपके, वहां आपका इनकम भी बढ़ सकता है और प्रमोशन के चांसेस भी मार्च 2022 के बाद बनेंगे आपके। ठीक है सर, क्योंकि मेरा जो है ना, मैंने जो आपने कहा, मैंने 7 साल पहले खेतान में भी काम करा था। हाँ। और पिछले 6-7 साल से मैं अपनी कंपनी सालों में भी हूँ। अच्छा। बस प्रमोशन और इंक्रीमेंट, मतलब ये सब चीजें मेरी ओके है, मेरी तरह से कंपनी भी मेरे काम को देख के खुश है, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता ना, तब कोई ना कोई अड़चन आगे खड़ी जाती है। अभी कुछ नहीं सर, अभी हमारी है ना प्रमोशन, अगले साल आपका कोई रुकावट नहीं आएंगे, अगले साल आपका प्रमोशन कितना भी चाहेंगे तो आपको प्रमोशन 100% हो जाएगा। आपको पैसे दो मत, किसी पे भरोसा मत करो, कि जब भी आप ऐसे कुछ करोगे ना, सामने वाले के रिलेशन खराब हो जाएंगे और आपका नाम भी खराब होगा, पैसे भी नहीं आएंगे, तीनों जगह से फंस जाते हो आप जैसे लोग। बाकी हमको कुछ भी नहीं आता है सर जी। सर लोसो ग्रेड ही सिखाएंगे आप? हमको सिर्फ लोसो ग्रेड ही आती है, बाकी कुछ भी नहीं आता है हमको। ठीक है सर। ओके ओके। निधि सिंह जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइए निधि जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1981। अरे 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी, 16 फरवरी 1981 बरोबर? हाँ जी हाँ जी। बोल बेटा, क्या पूछना है? सर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, फिजिकल और मेंटल दोनों, बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब रहती है, और 2000 से जो भी कुछ करने चलो, कोर्स या कुछ भी करो, वो मेरा कम्प्लीट ही नहीं होता है, मतलब करियर भी स्टॉप है, बीमार भी हूँ पूरी तरीके से, मतलब कि सब चीज बेकारी चल रही है। बेटा हम तो देख मेडिकल का हम कुछ बताते नहीं किसको को, हम मेडिकल में हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, तो करियर का बता सकता मैं आपको? हाँ जी, जो भी कुछ करने चलो वो पूरा हो ही नहीं पाता है 2000 से जो भी कुछ करने चलो। हाँ, तो उसके दो कारण है, दोनों कारण आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो भी कुछ करने जाते हो ना, खुद के दिमाग से नहीं करना चाहते, अपने दूसरे के लोगों के सुन के या लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे भगते हो। दूसरी बात ये कि आप जो भी करना चाहते हो बहुत ज्यादा सोचते हो, करने के पहले बहुत ज्यादा सोच लेते हो, ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो वैसा होगा, इतने आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको दिक्कत आ जाती है। दो मेन रीजन आपके आज तक कुछ नहीं कर पाने के। नहीं सर, मैं मन से करती हूँ, जैसे मैंने एमएससी भी किया था, तो ग्रेजुएशन के पहले 2000 से पहले मैं लगातार सक्सेस होती चली गई, एक भी बार मैं फेल भी नहीं हुई, लेकिन 2000 के बाद मैंने एमएससी किया तो उसमें मैं पास नहीं हुई, इसके बाद से मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी करती हूँ कोर्स वो मैं। तो दीदी यही बोल रहा, आपका जो फोकस है ना, देखो आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है दीदी, आपका 7-1 का कॉम्बिनेशन है, 7-1 का जो कॉम्बिनेशन बहुत आदमी कंफ्यूज कर देता है, ऊपर से आपके पास 8-1-6 है,
816 क्या था, आदमी को सोचने बहुत नेगेटिव ज्यादा सोच चलते रहते दिमाग में, जो आपकी जो तबीयत खराब हो रही है ना, मेरे हिसाब से ऐसे जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, या तो अपन ज्यादा सोचते हैं कोई भी चीज को लेकर, उसकी वजह से ये हेल्थ में भी इशू क्रिएट होते हैं। तो ये दो ही रीजन मुझे दिख रहे हैं, बाकी तब तो ओवरऑल चॉल चार्ट बहुत अच्छा है, ग्रिड आपकी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, तो आज की तारीख में अगर कुछ काम किए रहते हैं तो आपको अच्छा खासा नाम का और पैसे मिल गए रहते हैं आपको। अभी क्या करना चाहते हो आप निधि जी? निधि जी, निधि जी सर वो म्यूट हो गए, सर वो म्यूट हो गए, नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, निधि जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने अनम्यूट कर रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं, आप म्यूट हो अभी। दीदी जानू प्रिया जी दूसरे को ले लीजिए एक दो को और। जी सर ये देसाई सर को पहले लिया था ना, उनको वापस कर दे, वो बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम अनम्यूट नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, करिए करिए। हाँ जी अमित देसाई जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमित देसाई जी सर मुझे लगता है इनको वापस। जय जय राम। हाँ जी जय राम। मुझे मेरी डॉटर के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1998। क्या पूछना अंकल जी बोलिए। उनकी अभी कैरियर आगे और आगे की पढ़ाई और है के अभी और फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, उसके बाद उसका पढ़ाई है या कोई जॉब है या उसको कोई। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 27 अक्टूबर 1998 बोले ना आपने। हाँ 27 अक्टूबर 1998। अच्छा चलिए, कैरियर तो पढ़ाई में तो काम कर सकती है, अगर इसका इच्छा हो तो कोई भी काम कर सकती है बच्ची आपकी। अच्छा अच्छा पढ़ाई भी अच्छा इसका, देखो अभी अभी मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 30-32 साल तक इसकी थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल रह सकते हैं, लेकिन ये 30 साल के बाद इसकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये जब भी अपने ससुराल जाएंगे ना वहाँ पे इसके लाइफ में बहुत सुख मिलेगा, पैसा पानी भी सब कुछ है इसके पास में, एजुकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आगे है, आगे पढ़ाई है अभी है ना सर, है क्यों नहीं है, करना चाहे तो कर सकती है। अच्छा उसको अपना एचआर सेक्शन में उसका इंटरेस्ट है, जा सकती है ना अंकल, जा सकती है, हेडेक नहीं, एचआर में भी काम कर सकती है लड़की। ये लड़की को लोहे का काम नहीं करना चाहिए, लोहे का और मशीन का काम छोड़ के बाकी कोई भी काम कर सकती है आपकी बच्ची, मतलब कैटरिंग या होटल्स ना, वो भी अच्छे से काम करती है, कैटरिंग का काम भी अच्छे से कर सकती है, वो भी एचआर का ये सब काम कर सकती है आपकी। अच्छा अच्छा, उसका पहला पार्ट थोड़ा दिक्कत भरा जाता है 30-32 साल का, उसके बाद का फेस अच्छा जाएगा बच्चे का, मतलब वन का जब चालू होगा तब, जब वो फेस बहुत अच्छा जाता है, अभी थोड़ा कमजोर रहेंगे लेकिन आगे चल के अच्छी प्रोग्रेस कर लेंगे। जी आखिरी आखिरी आदमी को अनम्यूट कीजिए। सर ये लास्ट में अभी सकिन को ले, जागृति जी को ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने हैंड रेज यहाँ ऊपर से, सर वैष्णवी ये रावत काफी देर से इनका हैंड रेज है। वैष्णवी रावत जी, वैष्णवी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो जी जी वैष्णवी जी, वैष्णवी रावत आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही, बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24/3/2007 24 मार्च 2007 जी। बच्चा है, लड़का है, लड़की किसकी है? लड़की है सर। बोलिए क्या पूछना है सर। ये पढ़ने में कैसी रहेगी सर इसके? पढ़ने में ज्यादा कोई खास नहीं रहेंगी, मीडियम इसमें जाएंगे ना 70% के आसपास, एकदम ज्यादा टिप टॉप नहीं है, लेकिन एवरेज पढ़ाई है बच्ची की आपके जी। और कुछ पूछना है? नहीं यही पूछना सर, मेहनत तो काफी करती है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता पढ़ने में। पढ़ने में रिजल्ट नहीं आता, वही बता ना, एवरेज अच्छे मुझे उसका दिमाग तो मुझे मेहनत करने से कुछ जरूरी नहीं है, उसका जो नंबर है ना वो उसको पढ़ने नहीं देता है। अच्छा अच्छा, इसको एक इसको गणेश जी की पूजा करने बताओ आपको, और थोड़ा जो गणेश जी रहते हैं ना इनको रोज पूजा करो बोलना, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा बच्चे को आपके जी। लेकिन पढ़ने में चार्ट मुझे कमजोरी दिख रहा है वो जी। ठीक है जी जी, ओके ओके। फिर जी लास्ट खाली एक दीपक देशपांडे जी का हैंड रेज है। ठीक है ठीक है, इसके बाद अपन एंड करते हैं। दीपक जी बोलिए।
दीपक देशपांडे जी प्लीज बोलिए। ओम साई राम बोलिए। नमस्कार नमस्कार, मेरी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/2003 8 जून 2003। हाँ, तो उसका मेडिकल में होगा कि नहीं होगा वो? अभी क्या कर रही बच्ची आपकी? ये 12th हो गया है, नीट की एग्जाम दे दी है, मेडिकल में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो? बच्ची है क्या आपके पास? नहीं, वो मामा के गांव गई है। अभी नीट क्लियर हो गई उसका? नीट क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मतलब गवर्नमेंट में देख रहे हैं अपन। एक काम करो अंकल जी, मेरे को इसमें बच्ची की हेल्प लगने वाली है आपका जो है ना जी, तो बच्ची को, आपकी बच्ची को मुझे 1 से लेकर 9 के बीच में एक नंबर पूछ के मुझे व्हाट्सएप कर देना, स्पॉन्सर में कल दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मेरा नंबर आपको मालूम है सभी लोगों को, मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो आज का वेबिनार का रेफरेंस दे देना, तो मैं कर दूंगा रिप्लाई। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो थैंक यू सभी लोग। प्रिया जी धन्यवाद, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू सर फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम साई राम टू एवरीवन। ओम साई राम सर। ओम साई राम।